चाचा, तीन बार पाओ पाओ किया तो मैं समझ गई कौन आया। पर चाचा, कभी तो देर से आया करो ताकि तुम्हारी इस बेटी को सवेरे वाली मीठी मीठी नींद मिल सके। देखो रेनू बिटिया, मायके में जल्दी उठने की आदत डालोगी ना तो ससुराल में जाकर जल्दी सोकर उठोगी और अच्छी बहुरानी कहलाओगी। हाँ चाचा, आधा लीटर दूध और दे दो। अच्छा, तो फिर आज कौन अन्नु बिटिया का देखने आवत है? हाँ चाचा। ये रहा 1 लीटर का पैसा। हाँ बेटी। और ये रहा आपका आधा लीटर का। ना बिटिया ना, हम तो 1 लीटर का पैसा लेंगे, आधा लीटर मेहमानन के लिए। भगवान करे इस बार अन्नु बिटिया का रिश्ता तय हो जाए बिटिया। अच्छा चाचा, राम पाओ मस्के वाला। सलाम पाशा अंकल। जीती रहो बेटी, जीती रहो, ये लो। पाशा अंकल, आज फिर अन्नू दीदी को देखने के लिए बंबई से कुछ मेहमान आ रहे हैं। पाव की एक लादी और मक्खन की एक टिकिया ज्यादा दे देना। अरे वो तो मैं दे दूंगा इच, हाँ। मगर सुनो बेटी, मस्का उना लोगों को तब लगाना जब वो दहेज का तकाजा नक्को करे तो। हाँ अंकल, आज तक हमारी चौखट पर दहेज मांगने वाला कोई लड़का नहीं आया। दिल को छोटा नक्को करो बेटी, अल्लाह बहुत बड़ा है। इस बार तो अपनी अन्नू बिटिया के हाथ था पीले हो ही जाएंगे। सलाम पाशा। हाँ जीती रहो बेटी, जीती रहो। अन्नू बेटी, अन्नू लो ये कपड़े पहन लो। मैं कपड़े नहीं पहनूंगी माँ। देखो सिद्ध मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मुझे सब मालूम है माँ, पहले तो वो लोग मुझे देखेंगे, पसंद करेंगे और आप लोगों को खुश कर देंगे। उसके बाद वो जहेज में इतनी बड़ी रकम मांगेंगे जो आपके हैसियत से ज्यादा हो, जिसका नतीजा ये होगा कि वो लोग रिश्ता तय किए बगैर ही चले जाएंगे। फिर कल से आप और बाबूजी एक और नए लड़के की तलाश में निकलेंगे। भगवान के लिए तमाशा बंद करो माँ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। रेनू मीनू, तुम ही समझाओ ना अपनी बहन को। देखो ना कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है। बच्चों जैसी बातें तो तुम कर रही हो माँ, दीदी ठीक ही तो कह रही है। माँ मेरा बस चले तो इन दहेज मांगने वाले लड़कों को गोली से उड़ा दूं। किसको गोली मारी जा रही है, ये क्या बहस हो रही है? अच्छा हो गया आप आ गए, समझाइए अपनी लाडली बेटी को, कपड़े बदलने से इनकार कर रही है। तुम चुप रहो जी, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी बेटी कभी नहीं चाहेगी कि उसके माँ बाप की बेइज्जती हो। चलो बेटी ये कपड़े पहन लो, कम ऑन। आप कह रहे हैं तो पहन लेती हूँ बाबूजी। लेकिन एक बात बताई देती हूँ, अगर उन लोगों ने जहेज के लिए मुंह खोला ना तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। okay, बताई देती हूँ। okay. बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जब मेरे बाबूजी ने आपको चिट्ठी लिखी थी तब उसमें मेरा नाम, पता, मेरी लिखाई, पढ़ाई, लंबाई, चौड़ाई, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सब कुछ तो लिखा था। आपने वो चिट्ठी पढ़ी नहीं क्या? चौबे जी जरा ख्याल मत फरमाइएगा, बड़े लार से पाली है। मुझे भी डैड ने बड़े लाड प्यार से पाला है। तो फिर हम ये आशा करें कि आपने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। रिश्ता मंजूर करना तो आपके हाथ में है बहन जी। वो कैसे? बस इस नायाब हीरे की कीमत चुका दीजिए, रिश्ता अपने आप तय हो जाएगा। तो क्या कीमत होगी इस नायाब हीरे की? आपके लिए रियायती कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है चौबे जी। ज्यादा कहाँ है राधेश्याम जी, इससे ज्यादा तो अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाने में मैंने खर्च किए हैं। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ डैडी। चुप रह। हाँ तो क्या फैसला किया आपने राधेश्याम जी? चौबे जी इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? क्यों, इतना बड़ा मकान है आपका, उसे 2 लाख में गिरवी नहीं रख सकते? लेकिन उसका सूद तो हम जिंदगी भर नहीं चुका सकेंगे चौबे जी। तो फिर जहन्नुम में जाओ, चल उठ रहे महेश, इन थूक में सत्तू खोलने वालों से अपना मामला नहीं जमेगा। चौबे जी आप तो जरा सी बात पर नाराज हो गए, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं अपना ये घर 2 लाख रुपए में गिरवी रख देता हूँ। बाबूजी मुझे रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आपको मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर करना होगा। ऑफ कोर्स बाबूजी, हमने ये घर गिरवी रख के पैसों का इंतजाम कर लिया है। पैसे का? ये लीजिए 50,000। 50,000 लीजिए, बाकी के 1.5 लाख जब आप बारात लेके आएंगे ना तब आपको मिल जाएंगे। तो राधे श्याम जी रिश्ता तो तय हो गया, अब ये बताइए कि बारात कब लेके आए? आई एम सॉरी मिस्टर चौबे, दहेज मांगना कानूनी जुर्म है और मैं आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं। मैं दहेज थोड़ी मांगने आया था।
मैं तो लड़की मांगने आया था। और मैंने भी दहेज नहीं मांगा इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। आपकी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकेगी मिस्टर चौबे, और फिर आपने कई गवाहों के सामने पुलिस के निशानजदा नोटों को अपनी जेब में लिया। वैसे आपकी तीनों बेटियां भी तारीफ के मुस्ताहिक हैं, जिन्होंने ऐन वक्त पर एक मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए कानून का साथ दिया। चौबे जी, मेरी बेटी को मत मारिए। और दहेज चाहिए? जाता कहाँ है? तुम्हारा खेल खत्म हो गया चौबे। पुलिस पर गोली चला के तुमने अच्छा नहीं किया। अगर 10 साल के लिए तुम्हें जेल ना भेजा तो मेरा नाम इंस्पेक्टर सैयद नहीं। अरे 10 साल की सजा तो क्या इंस्पेक्टर, अगर मुझे उम्र कैद भी होगी तो एक दिन छूट के जरूर आऊंगा। जिस दिन जेल से छूट के आऊंगा उस दिन तुम तीनों बहनों को बर्बाद कर दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी चौबे नहीं। राजा दोस्तों आज की ताजा खबर पढ़ी तुमने? अरे क्या खबर है भाई? अरे बड़ी गर्म खबर है, हमारे कॉलेज की 3 लड़कियों ने दहेज लेने वाले लड़के को हथकड़ी लगवा दी। बाप रे, सूरत से कितनी भोली नजर आती है ये, घर में आए हुए मेहमान के साथ इतना बुरा सुलूक। अरे ऐसी लड़की से तो कोई लड़का शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बड़ी वाली से तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, और दहेज में एक पैसा भी नहीं लूंगा। दहेज तो मैं भी नहीं लूंगा दोस्त, अगर इसमें से मजली तैयार हो जाए। दोस्त दहेज का तकाजा तो मैं भी नहीं करूंगा अगर छोटी वाली मेरे साथ शादी करने को तैयार हो जाए। अरे सिर्फ एक थाली? हाँ, मुझे भूख नहीं है। भूख तो वैसे मुझे भी नहीं है। जानती हो आज दफ्तर में लोगों ने मुझ पर कितनी उंगलियां उठाई, आवाजें कसी, और मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। आज मंदिर में बस्ती की औरतों ने मुझे भी बहुत जलीकटी सुनाई। जानते हो उन्होंने क्या कहा? कोई लड़का हमारी चौखट पर थूकने भी नहीं आएगा, और हमारी तीनों लड़कियां घर बैठे बूढ़ी हो जाएंगी। अब तो बस एक ही रास्ता है, आप कहीं से थोड़ा सा जहर ले आइए, और हम दोनों खाकर सदा के लिए सो जाए, सदा के लिए। कोई लड़का हमारी चौखट पर थूकने भी नहीं आएगा, और हमारी तीनों लड़कियां घर बैठे बूढ़ी हो जाएंगी। अब तो बस एक ही रास्ता है, आप कहीं से थोड़ा सा जहर ले आइए, ताकि हम दोनों खाकर सदा के लिए सो जाए, सदा के लिए। Thank you.
नहीं, अन्नू के बाबूजी, अन्नू के बाबूजी, क्या हुआ? देखिए ना, हमारी तीनों लड़कियां घर छोड़कर चली गई। क्या कह रही हो तुम? हे भगवान, हम दोनों को किस पाप की सजा दे रहे हो? एक माँ से इसके बच्चों को जुदा कर दिया। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही था ना कि हम अपनी बेटियों के लिए मुंह मांगे दाम देकर वरना खरीद सके। जरा हिम्मत से काम ले निर्मला, तुम्हारे तीनों बेटियों ने घर किसी अच्छे मकसद के लिए छोड़ा है और हर एक बेटी ने यही लिखा है कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के बाद घर वापस आएगी और अपनी दोनों बहनों की शादी करवाएगी। जरा सोचिए, लड़कियों की जात है, अगर कोई ऊंच नीच हो गया तो हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। एक्सक्यूज मी, क्या ये हरा सूटकेस आपका है? जी हाँ। क्या इत्तेफाक की बात है, मेरा सूटकेस भी हरा है। आप कहाँ जा रही हैं? बम्बई। बम्बई, क्या इत्तेफाक की बात है, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ। अच्छा। आप पान खाती हैं? जी नहीं। क्या इत्तेफाक की बात है, मैं भी पान नहीं खाता हूँ। वैसे आप पान मसाला तो जरूर खाती होंगी। आप शादीशुदा हैं? जी। आपकी शादी हुई है? जी नहीं। क्या इत्तेफाक की बात है, मेरी भी शादी नहीं हुई है। आप इत्तेफाक से शटअप होंगे कि नहीं? नमस्ते। जी नमस्ते। लगता है तुम इस शहर में नई हो। हाँ, अभी अभी आई हूँ। क्या आप मुझे किसी धर्मशाला का पता बता सकती है? बेटी, जिस शहर में लोग धर्म को बेचकर खा गए हो, उस शहर में तुम धर्मशाला की तलाश कर रही हो। मैं एक महिला संस्था की कर्ता धरता हूँ। मेरा नाम शालिनी है, तुम्हारा नाम? अनुराधा है। आप मेरी मदद कर सकती है? क्यों नहीं। ये रहा तुम्हारा कमरा, कपड़े वपड़े बदल लो, मुंह हाथ धो लो। मैं नीचे जाके टेलीफोन पे तुम्हारी नौकरी का इंतजाम करती हूँ। जी। ओके। अरे, ये तो उस पुट्ठे का सूटकेस है। ये गलती तेरा मुकद्दर बदल सकती है ना? तेरी बहनों का मुकद्दर बदल सकती है। इस दौलत को पाकर अच्छे से अच्छे लड़के तुझसे और तेरी बहनों से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, ये पराई अमानत है। मैं मेहनत से कमाई हुई दौलत से अपनी और अपनी बहनों की खुशियां भर दूंगी। लेकिन उस बुड्ढे का नाम पता? मात्रे फिनेंसेस, थैंक गॉड। क्यों मजाक कर रहे हो जानी सेठ? मैं तो आपकी गुलाम हूँ। खाली सूखा सूखा फोन करती रहती हो शालिनी भाई, कोई तर माल तो कभी दिखाती नहीं। माल देखकर राल टपकने लगेगी आपकी, एकदम नई चिड़िया है, जरा भी खेली खाई नहीं है। इस बात का फैसला तो हम चिड़िया का दीदार करने के बाद ही करेंगे। चिड़िया ऊपर वाले कमरे में बंद है, जरा भी भागने की कोशिश की तो पर काट देना। ही बेसहारों का सहारा है, मेरी लाज बचा ले शंकर। जय हो निरंजन, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम। सीताराम की लड़की की शादी के बारे में मैंने धर्मदास बुड्ढे से एडवांस ले लिया है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। पुजारी जी, चढ़ावे के जेवर बेचने के बाद आपका हिस्सा। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। पुजारी जी, एक बहुत बड़ी खबर है। नागपुर में चौबे जी किसी पुलिस इंस्पेक्टर पर गोली चलाने के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। चौबे गिरफ्तार हो गया, बहुत बुरी खबर है। जय शिव शंकर। शंकर भैया,
माफ करना, कुमकुम खत्म हो गया है, टीका कैसे लगाओ? कुमकुम के खत्म होने से क्या होता है टट्टू, तेरी रगों में तो काफी खून दौड़। मैं तो आजकल शराफत के रास्ते पे चल रहा हूँ शंकर भैया। धंधा करने वाली लड़कियों की दलाली खाना शराफत का रास्ता है? बांझ औरतों को बच्चा पैदा करवाने की आस दिलाकर उनके गहने उतरवा लेना शराफत का रास्ता है। चांदी के चंद सिक्कों के लालच में आकर हालात की सताई हुई लड़कियों की शादी अय्याश बुड्ढों से करवाना शराफत का रास्ता है। आप तो अंतर्यामी, क्षमा कर दो अब शंकर भैया। अबे टट्टू पुजारी, याद रखना, बंद कर दे अपने टट्टू की री, वरना इतना मारूंगा तुझे पुजारी से भिखारी बना दूंगा। चुप है। देख पुजारी, आज से अपन ने कचरा हटाओ हफ्ता स्टार्ट किया क्या? एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने को इधर का सारा कचरा उठा के बाहर फेंकने का। खास करके भगवान का घर अपने को आईने के माफी साफ मांगता है। ऐसा ही होगा शंकर भैया, ऐसा ही। और रही बस्तियों की बात, आज जुहू चौपाटी का नंबर है। सुना है वहां एक जानी सेठ बाकड़े वाले दुकानदारों के साथ बड़ी टट्टूगिरी कर रहा है, आज उसका हिसाब छुट्टा करता हूँ। तूने मेरे आदमी को हफ्ता देने से इनकार किया? माफ करना जानी सेठ, आजकल धंधा कुछ मंदा है, हफ्ता कैसे दूं? हफ्ता नहीं दे सकता, कैसे नहीं दे सकता? जानी सेठ, क्यों बेचारे को मारते हो जानी सेठ? धंधा मंदा है, जब धंधा होगा बेचारा हफ्ता भी दे देगा जानी सेठ। चिड़ी के चौके, तू उसकी हमायत करता है? मत मत मारो जानी सेठ। हफ्ता देने से इंकार करता है? चेन किसने पकड़ी है? किसकी मौत आई है? तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है। जानी सेठ पीछे मुड़कर नहीं देखता, आज जरूर देखेगा। क्योंकि टट्टू गरीबों को तंग कर आया, हराम खोर। टट्टू, मेरा हाथ। तेरा हाथ गया भाड़ में। मेरा हाथ। आज के बाद मैं कभी इस बाजार में नजर नहीं आऊंगा। अगर नजर आया तो मैं दो बाप का। अबे बोल। अगर नजर आऊं तो मैं दो बाप का। चलो भाइयों, दस साल। शालिनी भाई आइए। जानी सेठ, ये क्या हालत बना रखी है आपने? किसने तोड़ दिया हाथ? इस बार पासा पलट गया शालिनी भाई, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। कौन है ये कमबख्त पहाड़? शंकर दादा। मगर आप तो दादाओं के दादा कहलाते हैं। कहलाता था शालिनी भाई, मगर अब नहीं। जिस इलाके में मेरा सिक्का चलता था वहां आज शंकर की हुकूमत है। खैर छोड़ो इन बातों को, कहाँ है वो तरमाल? ऊपर वाले कमरे में जाइए, शिकार मार सके तो मारिए और शौक से खाइए। ये हुई ना बात।
कहाँ जा रही मेरी चिड़ी की चौकी? देखो मिस्टर, तुम्हारा एक हाथ पहले ही टूट गया है। अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की ना, तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी। इस फौलादी हाथ को कोई नहीं तोड़ सकता। शंकर दादा भी नहीं? क्या मतलब? मैं शंकर दादा की धर्म पत्नी हूँ। अब लेकिन लेकिन क्यों मिस्टर, छूट गए ना छक्के? तुम यहाँ कैसे आ गई? ये चुड़ैल शालिनी मुझे धोखे से यहाँ लेके आई, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने शंकर दादा को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। भाभी, आपने भैया को बिना वजह तकलीफ दी। ये देवर आखिर किस दिन काम आएगा? ओ शालिनी भाई, शालिनी भाई। हाँ हाँ, आ रही हूँ। चिल्ला रहे हो क्यों जानी सेठ? माल पसंद आया? माल की बच्ची, तू मेरी भाभी को वर्क कराकर यहाँ ले आई? भाभी, तेरा तो कोई भाई नहीं है। क्यों नहीं, शंकर भैया मेरे भाई जैसे हैं। शंकर भैया? हाँ हाँ, शंकर भैया जिन्होंने मजाक ही मजाक में मेरा हाथ तोड़ दिया। माफ करना भाभी, गलती से मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हाथ जोड़ती हूँ, शंकर भैया से हमारा जिक्र मत करना। अच्छा अच्छा, नहीं करूंगी। चलो भाभी, मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। चलो सामान उठाओ। हाँ उठाओ। ए टैक्सी! हाँ जी हाँ जी। ओहो, बड़ी बकवास टैक्सी है। हाँ पापा जी, कहाँ जाना है दसो? खड़ा पारसी। किथे जाना है जी? खड़ा पारसी। खड़ा पारसी? मैं खड़े हुए पारसी के पास नहीं जाऊंगा, बैठे हुए सरदार के पास चलने को तैयार हूँ। बड़े अजीब आदमी हो तुम, जिसे खड़ा पारसी जाना होगा वो सरदार जी के पास क्यों जाएगा? खड़ा हो या बैठा हो, साडा की जानता है। खड़ा पारसी किथे जाना है? शंकर दादा के घर। शंकर दादा? सरदार जी, जानते हो शंकर दादा को? अजी, शंकर दादा को कौन नहीं जानता, वो तो बम्बई का बड़ा वड्डा बादशाह है। देखो सरदार जी, ये मैडम उनकी घरवाली है। अच्छा भाभी जी, सत श्री अकाल। चलो चलो बैठो, थोड़ी अपनी टैक्सी है, बैठो आराम नाल बैठो जी, कर देगा। सरदार जी। हाँ जी। मात्रे फाइनेंस का ऑफिस कहाँ है जानते हैं आप? मात्रे फाइनेंस? हाँ? नरीमन पॉइंट वाला, वो तो अपना ही आदमी है, इस टैक्सी में भी उसी का फाइनेंस। अच्छा, है। मुझे वहीं ले चलो। पापा जी गल सुनो, आपने और शंकर भैया ने क्या चोरी चोरी शादी कर ली? क्यों? मेरा मतलब है, शंकर भैया की शादी हो जाए और फौजा सिंह को पता ना हो, मेरा ख्याल है आपकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। सुनिए सरदार जी, जहाँ बोला है वहाँ लेके चलो, ज्यादा बातें मत करो। चलता हूँ जी। आप गर्म क्यों होते हो, अगले इतनी गर्मी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि बस से उतरने के वक्त वो मेरा सूटकेस लेके भाग गई है। सर, मैं पुलिस को फोन करूं? हाँ, 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 हाँ। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका सूटकेस वापस लाई हूँ इत्तेफाक से। माय गॉड, मेरा 10 लाख का सूटकेस। सेठ जी। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें चोर समझ रहा था। ये लो तुम्हारा इनाम। सेठ जी, अगर हराम की एक गड्डी भी मुझे लेनी थी तो क्या पूरा सूटकेस मेरे लिए बुरा था? वो तो ठीक है, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन इत्तेफाक से हर इंसान को पैसे की तो जरूरत होती है। हाँ, जिंदगी के कुछ फर्ज उतारने के लिए मुझे भी पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं नौकरी करके पैसे कमाना चाहती हूँ। सेठ जी, क्या आप मुझे कोई नौकरी दे सकते हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। तुम्हारी बॉम्बे में रहने के लिए कोई जगह है? नहीं। तो इत्तेफाक से दोनों मेरे पास हैं, जगह भी और नौकरी भी है। नीचे नौकरी और ऊपर झोंपड़ी। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, आपने बहुत अच्छा किया इस ईमानदार लड़की को नौकरी देकर। इत्तेफाक से आज कितना अच्छा दिन है कि आपका 10 लाख रुपया भी मिल गया। और एक समस्या है। कौन सी? एक राजकुमार नाम का आदमी हमसे 2 साल पहले 20,000 रुपए लेकर चला गया था। तो फिर कुल मिलाकर ब्याज 35,000 रुपए हो गए, जो वापस देने का नाम ही नहीं लेता। तो तुमने क्या कार्रवाई की? कानूनी कार्रवाई करने में तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आपका 35,000 रुपया इस दुनिया में 2 ही हस्तियां वापस दिला सकती है। वो कौन? एक अल्लाह मियां, दूसरा शंकर दादा। शंकर दादा? हाँ, शंकर दादा आपके पैसे आपको जरूर वापस दिलवाएगा। ठीक है, खान साहब शंकर दादा से मिलिए। यस सर। राजकुमार सेठ, राजकुमार सेठ, जल्दी उठो राजकुमार सेठ, राजकुमार सेठ। बुलशिट। पटेल के बच्चे, सिगरेट का पैकेट कहाँ गया? किस सिगरेट के पैकेट की बात कर रहे हो सेठ? उस सिगरेट वाले ने उधार देना बंद कर दिया है। अच्छा, अपनी एक बीड़ी पिला दे यार। सेठ, 6 महीने पहले आपने मुझे तनख्वाह दी थी ना, उस वक्त मैंने आखिरी बीड़ी पी थी बस। बुलशिट, न सिगरेट न बीड़ी, फिर मैं अपनी आंखें कैसे खोलूं? अच्छा, एक ग्लास ठंडी बियर पिला दे यार। बियर पिला दे? क्यों बात करो, छो नींद में है क्या आप? 15 रुपए की एक बोतल मिलती है बियर की, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। बियर पिला दे। तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं? हाँ। फिर कल रात तो तूने मुझे बियर पिलाई थी। पिलाई थी वो इसलिए पिलाई थी, घर में जो खाली बोतलें थी ना पुरानी,
वो बेच दी थी, बियर लाके पिलाई थी। और अगर आज बियर पीनी है तो घर का कोई दूसरा सामान दो, वो बेच आता हूँ, लाके बियर पिला देता हूँ। अभी फकत ये पानी से काम चलाओ, बियर पिला दे, जैसे मेरे बाप का दारू का अड्डा है। शह, गर्म पानी, ठंडा क्यों नहीं पिलाता? ठंडा पानी कहाँ से पिलाऊं सेठ, बिजली का बिल नहीं भरने से फ्रिज बंद हो गया है, कुछ दिनों बाद नल भी बंद हो जाएगा, इस गर्म पानी के भी वांदे हो जाएंगे। ओफो, जब सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, बियर नहीं, ठंडा पानी तक नहीं, तो फिर एक सोए हुए आदमी को जगाने की क्या जरूरत थी? कमाल है, उठा दिया यार। मेरी क्या मजाल जो मैं आपको उठाऊं? सेठ, नीचे आपकी ससुराल से कुछ रिश्तेदार आए हैं। कौन, कर्से वाले? कितने आदमी है? मैंने गिने नहीं, पूरी बारात लगती है और दूल्हे का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे भाई, तुम्हें उन्हें कह देना चाहिए था कि राजकुमार साहब के पास अभी पैसे नहीं है। मैंने कह के देखा, अरे मैंने तो उनके हाथ पांव तक जोड़े, लेकिन महात्रे फाइनेंस वालों ने शंकर नाम के एक आदमी को भेजा है जिसे दादागिरी के सिवा कुछ नहीं आता। सेठ, डिप्लोमा होल्डर लगता है, उसके पास इतना लंबा बटन वाला चाकू भी है। अरे सेठ, ये नकली दाढ़ी लगा के भागने का नाटक पुराना हो चुका है, सबको मालूम पड़ गया। अच्छा, तो फिर वो रस्सी लेकर आ, ताकि आप बालकनी से लटक के भागो। हाँ, अरे ये रस्सी और बालकनी कुछ नहीं चलने वाली है। क्यों? जरा बालकनी से झांको, नीचे देखो कौन है, देखो जरा। अरे ये तो जान मोहम्मद कसाई है जिससे हम मटन खरीदते हैं, मगर ये कुत्ता लेके क्यों आया है? वो कुत्ता सेठ इसलिए लाया है कि आज तक हमने उसे मटन के पैसे दिए नहीं, और आज फिर वापस पैसे नहीं देंगे, तो आपने जो उसका मटन खाया है बिना पैसे का, वो आपके बदन से काट के कुत्ता ले जाएगा। कितनी अच्छी बात है। अरे सेठ, कोई तुरुप चाल सोचिए, वरना आज आपकी इज्जत के भजिया बिक जाएंगे, बिस्तरा गोल हो जाएगा आज आपका। अरे चल पटेल, नीचे चल के सबके पैसे बांट देते हैं। शुरुआत करो जो सेठ। अरे तू चल तो सही। नमस्ते जी, माफ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई। पटेल, तुमने इन लोगों को चाय वाय पिलाया कि नहीं? अरे भाई, हमको चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वड़ी, हमारा 3000 रोकड़ा दो नहीं, मारो 4000। आज हमारा 3000 रुपया मिल जाना चाहिए राजकुमार साहब। एक साथ मत बोलिए, हिसाब किताब का मामला है। पटेल जरा नोट करो। अभी करता हूँ, पेन देना। आपका कितना है और कहाँ से आए हैं? मात्रे फाइनेंस से 35000 और अभी चाहिए। टट्टू, जानते हो मेरा नाम क्या है? मुझे शंकर कहते हैं। मैं अभी दिलवा देता हूं। हेलो, हांगकांग बैंक, कौन मैनेजर भाटिया साहब बोल रहे हैं? आदाबर से, मैं राजकुमार बोल रहा हूं। एक छोटी सी तकलीफ देना चाहता था। क्या मेरा वो 1,40,000 रुपए का ड्राफ्ट पास हो गया? पास हो गया। अच्छा जी, एक छोटी सी और तकलीफ देनी थी मुझे, कुछ लोगों के पैसे चुकाने हैं, मैं उन्हें आपके पास भेज देता हूँ, आप उन्हें कैश दे दीजिए। कितना? हाँ जी, एक मिनट, कितना हुआ? 49,000। आप उन्हें 50,000 दे दीजिए। हाँ जी, मैं चेक बाद में भेजवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। शंकर जी, आप मुझे 1000 कैश दे दीजिए और भाटिया साहब से 35,000 की जगह 36,000 ले लेना। 1000? ले ले। थैंक यू। अबे टट्टू, अपने साथ कोई टट्टूगिरी की ना तो याद रखना, ये 1000 का मैं 10,000 वसूल करूंगा। मेरा नाम याद है ना? हाँ शंकर, कैसे भूल सकता हूँ। चलो भाइयो, चाहिए चाहिए, आप हांगकांग बैंक के मैनेजर से ले लीजिए। थैंक यू बड़ी राजकुमार, धन्यवाद। नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू। आपकी तारीफ, और आपके कितने पैसे हैं? मैं टेलीफोन कंपनी का कारिंदा हूँ। टेलीफोन का बिल ना भरने पर 6 महीने पहले हमने आपके टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया था, लेकिन कटे हुए टेलीफोन पर हांगकांग बैंक के मैनेजर भाटिया साहब से बातचीत करने में जो आपने नाटक रचाया वो लाजवाब था। थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप मेरा टेलीफोन कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो क्या है कि कंपनी का कायदा है कि 6 महीने तक अगर टेलीफोन का बिल अदा ना किया जाए तो अपने इंस्ट्रूमेंट उठा लेती है, इसलिए मैं इंस्ट्रूमेंट उठा कर लिए जा रहा हूँ। टाटा। सेठ, ऊपर जाऊं छू, राम राम। अरे तू अपना सामान लेकर कहाँ जा रहा है? अरे सेठ, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, आपके साथ में रखे तो मुझे मेरी जान और जवानी दोनों का खतरा लग रहा है। मारी बात सामो, तमें पर आया थी फुटास की गोली खाओ। फुटास की गोली? क्या मतलब? मतलब है कि आप यहाँ से जल्दी से खिसक जाइए, क्योंकि हांगकांग बैंक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब उनको आपके फ्रॉड का पता चलेगा
तो सब के सब आके आप पे हमला कर देंगे, और वो जो है ना शंकर दादा, वो तो पागल सांड बन जाएगा और सिंगे मारना शुरू कर देगा। धड़ैंग धड़ैंग। हाँ माटे सेठ, हूँ जाऊँ छू। जय हिंद। अरे तू मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहा है? जल्दी से कोई बचने का तरीका निकाल। बचने का? सेठ बचने का तो बस एक ही तरीका है मेरी नजर में। जल्दी बोल। वो ये कि आप हवाई जहाज की स्पीड से किसी करोड़पति की इकलौती और कुंवारी लड़की की तलाश शुरू कर दीजिए, फिर उस लड़की के साथ प्रेम का नाटक रचाइए, प्यार कीजिए जिस तरह हिंदी फिल्मों में हीरो लोग करते हैं, उसके बाद उस लड़की से शादी कर लीजिए। उसके बाद उसके पिता की सारी दौलत तुम्हारे हाथों में होगी, इन कर्ज वालों का कर्जा उतर जाएगा, मुझे मेरे 6-7 महीने की तनख्वाह मिल जाएगी, आपकी जिंदगी भर की पेंशन शुरू हो जाएगी। क्या नशा आएगा जिंदगी का? जरा सोचो, गौर करो। आइडिया बुरा नहीं है, मगर ऐसी करोड़पति की लड़की मिलेगी कहाँ? क्या हुआ इन्हें? दिल का दौरा पड़ गया है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी मुझे जल्दी से किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दो, जल्दी। अच्छा अच्छा ठीक है, टैक्सी। ये पेशेंट आपके पिताजी हैं? जी। अच्छा, इसमें 2,000 रुपया भरना होगा। 2,000? इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। इतना रुपया नहीं था तो यहाँ क्या करने आई? किसी खराती हॉस्पिटल में जाना था। जी आप ये सोने की चूड़ियां रख लीजिए, पूरे 3,500 रुपए की हैं। इसे तो रख लेती हूँ, ये कोई मारवाड़ी की दुकान नहीं है। आपको 2,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा। जी अच्छा। गुड मॉर्निंग खान बहादुर साहब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस अल्लाह का कर्म है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो लड़की कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आई थी? अरे ये रही। हा? यही तो है। आओ बेटी। नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है? तुमने मेरी जान बचाई, वरना एक लावारिस की तरह मैं उस फुटपाथ पर मर गया होता। जब मुझे दिल का दौरा पड़ा तो वहां खड़े तमाम लोगों में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन लेकिन तुमने ये तकलीफ क्यों की? मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है बड़ों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनकी तुम बेटी हो। हाउ आर यू मिस्टर राधेश्याम? राधेश्याम? सिस्टर मेरा नाम राधेश्याम नहीं, अब्दुल रहीम है। लेकिन आपकी बेटी ने तो आपका नाम राधेश्याम लिखवाया है। मेरी बेटी? जी, आपका फॉर्म भरते वक्त जब इन्होंने आपसे मेरा बेटी लिखवा दिया, आपका नाम तो मुझे मालूम न था, तब मैंने अपने बाबूजी का नाम राधेश्याम लिखवा दिया। आई एम वेरी सॉरी। तो क्या हुआ बेटी, नामों का भेदभाव तो इस दुनिया वालों ने पैदा कर दिया, वरना राधेश्याम और रहीम दोनों मालिक के ही नाम हैं। ये लीजिए आपके सोने की चूड़िया, इनका बिल इनके मैनेजर ने भर दिया है। बेटी तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रख दी। आप मुझे शर्मिंदा न कीजिए, अगर आपकी जगह मेरे बाबूजी बीमार होते तो क्या मैं अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी न रखती? तुम मुझे एक लड़की नहीं फरिश्ता नजर आ रही हो। फरिश्ता? क्या नाम है तुम्हारा? मीनू। बेटी मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं एक गरीब घराने की लड़की हूँ, 2 जवान बहनें और है मेरी। अपने माँ बाप का बोझ कम करने के इरादे से मैं अपना घर छोड़कर बंबई आ गई हूँ। यहाँ मैं मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा करूंगी जिससे मेरी बहनों का दहेज पूरा हो जाए। आपकी आंखों में आंसू? मुझे मेरी बेटी नजमा की याद आ गई, उसकी शादी पर मैं मुंह मांगा दहेज नहीं दे सका था क्योंकि मैं एक गरीब बाप था, जिसका नतीजा यह हुआ कि शादी के बाद मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तरह तरह से सताना शुरू कर दिया, और एक दिन मेरी बेटी जिंदगी से मुंह मोड़कर मौत से जा मिली। आज मेरे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन एक बेटी का प्यार। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जाओगे बेटी? जहाँ तकदीर ले जाए। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास मेरी बेटी बनकर रहो। लेकिन खान बहादुर साहब। खान बहादुर नहीं, तुम अपने पिता को क्या कहकर बुलाती हो? बाबूजी,
आज से तुम मुझे भी बाबूजी कहकर बुलाया करोगी। बाबूजी? हाँ बेटी। बाबूजी, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो। ठहरिए ठहरिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज जन्मदिन मेरा नहीं, मेरे बेटे अनिल का है। लेकिन सेठ जी, अनिल को जन्म देने वाला तो आप ही हैं। तो क्या हुआ, आपने भी अपने बेटे को जन्म दिया है? मुबारक हो मफतलाल जी। आइए प्रभात सेठ जी, आइए। ये गुलदस्ता मेरी तरफ से और ये गुलदस्ता खान बहादुर अब्दुल रहीम ने भेजा है। ओ, अच्छा, क्योंकि अच्छा, वो आज इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हो चुकी है। मगर अनिल नजर नहीं आ रहा है। तैयार हो रहा है। आज तो आप उसका रिश्ता तय करने वाले थे ना? अरे सेठ जी, ये सब लड़कियाँ और उनके माँ बाप आज अनिल के रिश्ते के लिए आए हैं। जो सबसे ज्यादा बोली देगा, अनिल का रिश्ता उसके साथ तय हो जाएगा। सेठ जी, जरा एक मिनट बात सुनिए। फरमाइए। मैं 10 लाख रुपया दे सकता हूँ। श्रीमान, लड़का खरीदने आए हो या भाजी? 15 लाख रुपया दूंगा। मैं अपनी बेटी के लिए 20 लाख दे सकता हूँ। 20 लाख? 25 लाख। देखा माँ, डैडी भरे बाजार में तेरे बेटे का सौदा कर रहे हैं, लेकिन माँ मैं बिकना नहीं चाहता। मैं तो उस वचन को निभाना चाहता हूँ जो तूने मरने से पहले मुझसे लिया था। हुकुम सर आंखों पर है माँ, बोल तो क्या चाहती? तेरी माँ एक बहुत गरीब खानदान की लड़की थी। तेरे दादा जी ने मांगा दहेज वसूल करने के लिए मेरे माँ बाप का एक एक बूंद खून निचोड़ डाला। बेटे, तू बेटे गरीब लड़की से शादी करना, गरीब लड़की से बहस का एक एक पैसा मत लेना। माँ, यहां से भागने का कोई तरीका बता। कैसे निकलूं मैं इस नीलाम घर से? अबे टट्टू राजकुमार, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे रुक तू, भाग रहा टट्टू, तेरी तो रुक ना। अब पकड़ूंगा, इसमें मारूंगा, अम्मी याद आ जाएंगी। रुक। अबे अरे बेटे अनिल, वहां कहां जा रहे हो? मेहमान तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। डैडी, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। तू इसे भी ले आओ तो। डैडी, ये हजाम है, हजाम, राजू हजाम। हजाम? हाँ जी। तुम्हें हजाम की क्या जरूरत है? डैडी, ये बम्बई का सबसे अच्छा हजाम है। बम्बई के सारे एक्टर्स इसी से अपने बाल सेट करवाते हैं। ए बेटे, तेरे बाल तो वैसे ही सुंदर है। डैडी, इसने एक बार मेरे बाल सेट कर दिए ना, तो मेरी कीमत आपको दुगनी मिलेगी, दुगनी। अच्छा, ये बात है। तो जल्दी जाओ, शाबाश जल्दी। बेटे चलो। अच्छा सर, करना हाँ जी, शाबाश जल्दी। ए मिस्टर, मुझे राजू हजाम बनाने का क्या मतलब था? हैं बेटा, अगर मैं तुम्हें राजू हजाम नहीं बनाता तो शंकर दादा तुम्हारी हजामत कर देता। क्या तुम शंकर दादा को जानते हो? अरे शंकर दादा को कौन नहीं जानता, वो तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। आज तक उसने 10 मर्डर किए और आज शायद 11वां कर देगा। नहीं नहीं, मुझे बचा लो यार। तो फिर ये दाढ़ी मुझे दे दो। इसका क्या करोगे तुम? ए मिस्टर, तुम कौन है? हाय अंकल, मैं सुनील, अनिल का दोस्त। गुड गुड गुड, अनिल का दोस्त। अनिल कहाँ है? ओ अंदर सेट करता है पार, वो राजू हजाम से। कमाल है, जो अनिल से मिलने आ रहा है सब दाढ़ी वाला आ रहा है। ओ ये हसीन इत्तेफाक अंकल, यू सी हसीन इत्तेफाक। अरे बाय बाय, किधर, अनिल का बर्थडे केक नहीं खाएगा, ऐसा कैसे चलेगा? चलो अंदर। नो अंकल, व्हाट इज दिस पेचिंतानी? हाथी पौधे, हाथी पौधे।
रही हूँ और आप मुझसे ये भी नहीं पूछते कि मैं रो क्यों रही हूँ। देवी जी, ये एक आजाद मुल्क है, यहाँ कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई नाचता है, कोई गाता है। अब मैं किस किस से पूछूं? लेकिन लेकिन इंसानियत के नाते आपका पूछना फर्ज बनता है। चलिए आपकी बात मान लेते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैं बम्बई पहली बार आई हूँ और आपका सामान चोरी हो गया। जी। और आपके पास पैसे भी नहीं? बिल्कुल नहीं। और रहने का ठिकाना भी नहीं। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? मैम साहब, ऐसे झूठी कहानियां सुना सुना कर लोग रोज मुझसे पैसे ऐंठ ले जाते हैं, मगर अब मैं इन चक्रों में नहीं आने वाला। इसका मतलब मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आपको झूठ लग रहा है? देखिए, ये बम्बई शहर, यहाँ खूबसूरत लड़कियाँ पॉकेट मारती हैं, स्मगलिंग करती हैं और न जाने क्या क्या करती हैं। देखो मिस्टर, ना मैं स्मगलर हूँ, ना पॉकेट मार, ना ही मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। चलिए बताइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? क्या आप इसे जानते हैं? लेकिन आप इस आदमी से क्यों मिलना चाहती हैं? ये एक राज की बात है जो मैं उसी को बताऊंगी। देखिए मैम साहब, मैं आपको उससे मिला तो सकता हूँ, मगर ये आदमी बहुत ही अमीर और बड़ा ही खतरनाक है, कई लड़कियों की इज्जत से खेल चुका है ये। लेकिन आप इसे कैसे जानते हैं? कौन मैं तो इसका ड्राइवर हूँ, ड्राइवर। लेकिन मैं उन लड़कियों में से हूँ जो अपनी हिफाजत खुद करना जानती हैं। तो फिर ठीक है, मैं आपको मिला दूंगा इससे। सच? हाँ। एक्सक्यूज मी। यस जी, आपके ड्राइवर ने मुझे? हाँ हाँ, हमारा ड्राइवर अभी अभी कुछ कह रहा था, कोई टिनू नाम की लड़की हमसे मिलना चाहती है, क्या वो तुम ही हो? मिस टिनू जी, मेरा नाम टिनू नहीं, रेनू है। ओह आई सी, बाय द वे तुम हमसे मिलना क्यों चाहती थी? मैंने पेपर में पढ़ा है कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ ठीक ही पढ़ा है तुमने, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्यों, हम तुमसे क्यों शादी करें? कोई जबरदस्ती है क्या? देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, मैं एक मामूली घराने की लड़की हूँ, मेरे अलावा मेरी दो बहनें भी हैं जो माँ बाप के साथ नागपुर में रहती हैं। हम तीनों बहनों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे माँ बाप दहेज नहीं दे सकते, लेकिन आप तो बहुत अमीर हैं, आप मुझसे दहेज नहीं मांगेंगे, आप मुझसे शादी करेंगे ना? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो बेबी, शादी करने के लिए हमारे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं, कौन सी खास बात है कि हम तुमसे शादी करें? जी जी, मैं गा सकती हूँ। सभी लड़कियाँ गा सकती हैं। मैं नाचना भी जानती हूँ। सभी लड़कियाँ नाचना भी जानती हैं बेबी, हम तो ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो शादी से पहले सब कुछ करने को तैयार हो। सब कुछ? सब कुछ से आपका क्या मतलब? मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ आओ। अरे घबराओ नहीं, आओ आओ ना। बैठो बैठो, और पास, हम तुम्हें बहुत करीब से जांचना और परखना चाहते हैं, आओ करीब बैठो। हम जानते हैं तुम यही कहोगी ना कि बहुत करीब आने से वो हो जाता है बच्चा। जी। लो विस्की पियो। मैं शराब नहीं पीती और आप भी मत पिया कीजिए। अभी तो हमें शराब पीने दो, बाद में तुम्हारी आंखों से पिया करेंगे। तुम्हारे हाथ कितने अच्छे हैं और तुम्हारे होंठ। तुम्हारा ड्राइवर ठीक ही कहता था, तुम बड़े खराब हो बेशरम।
चलो बेटा अनिल, अब पार्ट टू के लिए रेडी हो जाओ। कहाँ जा रही हो रेनू? वापस घर। क्यों? उस करोड़पति के बेटे से शादी करने का? नाम मत लो उस गंदे आदमी का। वो ऐसी नीच और गंदी हरकत कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसे मिलने के लिए मैंने अपने सोने की अंगूठी बेच डाली, अपने लिए नए नए कपड़े खरीदे, लेकिन लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मगर एक बात बताओ रेनू, तुम उसे मिलना क्यों चाहती थी? मैंने सोचा था वो मुझसे शादी करेगा और मुझसे दहेज नहीं मांगेगा। एक बात कहूं रेनू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? हाँ रेनू, तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम भी मुझे पहली मुलाकात में अच्छे लगने लगे थे। सच? हाँ, लेकिन लेकिन तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पिताजी मुझसे दहेज तो नहीं मांगेंगे ना? दहेज तो जरूर मांगेंगे। क्या? हाँ। फिर तो तुम्हारी और मेरी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। अबे साले, ला मेरी दाढ़ी मूछ, ला साले। अरे भाई, दाढ़ी मूछ दे। हाँ रेनू, जब तुम मेरे पास आई थी तो मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए किया था, और तुम इस इम्तिहान में पूरी तरह से पास हो गई। अल्लाह फिर रेनू, अल्लाह फिर। लेकिन अनिल, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पीछे बहुत लड़कियां होंगी, तुम मुझे बाद में भूल तो नहीं जाओगे ना? मरते दम तक नहीं, मैं वादा करता हूँ। और अगर वादा भूल गए तो? अगर मैं वादा भूल जाऊँ तो मैं मर जाऊँ। हम दोनों में से जो भी अपना वादा भूले वो मर जाए, मंजूर है? प्यार का वादा ऐसे निभाए, ऐसे निभाए हम। प्यार का वादा ऐसे निभाए, ऐसे निभाए हम। तू भूले तो तू मर जाए, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं। मिले हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम एक दूजे कदियों से पहचानते हैं। पहली बार मिले हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम एक दूजे को सदियों से पहचानते हैं। प्यार का वादा, प्यार का वादा ऐसे निभाए, ऐसे निभाए हम। प्यार का वादा ऐसे।
ऐसे निभाए हम तू भूल तो तू मर जाए मैं भूल तो मैं मर जाऊं प्यार का वादा ऐसे निभाए हम सिवा अगर तुमने और किसी को चाहा तो डाल के फांसी का फंदा हम तो मर ही जाएंगे मेरे सिवा अगर तुमने और किसी को चाहा तो डाल के फांसी का फंदा हम तो मर ही जाएंगे प्यार का वादा प्यार का वादा ऐसे निभाए हम प्यार का वादा ऐसे निभाए हम तू भूले तो तू मर जाए मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं प्यार का वादा हाय बेबी कल इतवार है ऑफिस में कोई काम नहीं तुम मुझसे ग्रीन पार्क में मिलो शट अप कौन हो तुम मैं मिस्टर मात्रे से तुम्हारी शिकायत करूंगी इत्तेफाक की तो ये बात है कि मैं ही मिस्टर मात्रे हूँ पहचाना नहीं अरे सर ये क्या हो गया आपको ये कपड़े ये काले बाल आपके सफेद बाल काले कैसे हो गए सफेद बाल काले कैसे हो गए ये मैं तुम्हें कल ग्रीन पार्क 10 बजे बताऊंगा आज कुछ जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर सफेद बाल का काला हो जाना मतलब दाल में जरूर कुछ काला है अरे शकुंतला ये रोना धोना बंद कर अगर तू मेरी बहन है तो मुझ पे विश्वास कर मैंने शादी नहीं की नहीं की नहीं की भैया मुझे फौजा सिंह ने बताया कि आपकी शादी हो चुकी है और आप भाभी के हाथ के बनावे परांठे भी खाते हो फौजा सिंह उस टट्टू की तो खबर मैं लूंगा उसे पूछना है कि वो परोठे वाली भाभी कहाँ है आता हूँ मैं अभी अबे ओए तूने शकुंतला को क्या बोला कि मेरी शादी हुई है तुम मना करते मैं नहीं बोलता फिर तुमने मुझे कौन सा बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है मुझे तो बाहर से मालूम पड़ा अबे टट्टू के पट्टे मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई कमाल है फिर भाभी ने कैसे बताया कि तुम्हारी बीवी है ये जो लड़की जो अपने वो शेंडी वेंडी लगाती ना इसका तुम नाम अता पता ठिकाना को जानते हो चंगी तरह पता है मैं हूं ही छट के आ रहे ग्रीन पार्क अच्छा तो चल यार आज अपन उसे शादी बना के रहेंगे आराम से गाड़ियां रुको बस बाबे थे आरामी हाँ ओए फौजा सिंह ओए कहां है वो लड़की ओ रही पवी वो खड़ी है कर ली दूर से तो ठीक लग रही है यार बड़ी माशूक लग रही हो भाई ए मिस्टर आगे बढ़ो यहाँ के लड्डू पेड़े बट रहे सामने अगर गुलाब जामुन हो तो फिर लड्डू पेड़े को कौन पूछता है सड़क छाप आशिक लगते हो सड़क छाप लड़की तो तुम लग रही हो ए जबान संभाल कर बात करो मैं एक शरीफ लड़की हूँ शरीफ लड़की वाह इसलिए इतने सुनसान जगह में अकेली खड़ी हो वो भी इतने अच्छे कपड़े पहन कर कोई आशिक को मिलने का टाइम दिया लगे क्या भाई इस प्यादे की मदद से मैं उस बुढ़े ठरकी को अच्छा सबक सिखा सकती हूँ क्या सोच रही है मैम साहब आजा मेरी बाहों में मर्द हो मर्द हाँ हाँ तुम सचमुच मर्द हो
कोई भी लड़की तुम्हारे साथ आना पसंद करेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक मुसीबत से मुझे छुड़वा दो। क्या मुसीबत है भाई? मैं एक बुड्ढे के यहाँ नौकरी करती हूँ, उसने आज मुझे अकेले मिलने को कहा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी करके तुम उस बुड्ढे से मेरा पीछा छुड़वा दो। अरे वो टट्टू को आंदो, उसका गला काट दूंगा चाकू का। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि बुड्ढे को शक भी ना हो और मेरी नौकरी भी कायम रहे। अगर मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया तो उसके बदले में अपन को क्या मिलेगा? तुम जो चाहो वो। सच? सच। देखो वो आ गया, चलो। अरे कहाँ जा रही है जनवर? अरे मेरे साथ चलो जान। अरे सुनिए, देखिए मजा क्या हो गया सर। आप आगे, ये गुंडा कब से मेरा पीछा कर रहा था सर। अबे ओए, ये टट्टू क्या तेरी मदद करेगा? पर्सनालिटी देखिए इस टट्टू की। क्या देखिए, तू इनको टट्टू बोलता है? जा जा, आज जवानी और बुढ़ापे का मेल होगा। बुढ़ा क्या तेरे से मेल करेगा? इधर आ। हड्डी पतली
इंजन है तो कभी न करना में। अच्छा, ये इंजन में रहोगा मैं होंगी इसकी बेल। फिर चुक 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 फिर चुक 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 फिर चुक 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 फिर चुक 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 फिर चुक 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 फिर चुक 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 चुक। शाबाश। अरे अरे ओम मेम साहब, कहाँ जा रही हो? अभी तो अपना वादा पूरा कर लो। ठेंगा। क्या मतलब? मतलब साफ है, उस बुड्ढे से छुटकारा पाने के लिए मैंने तुमसे झूठ कहा था। अपुन के साथ धोखा? तुम्हें क्या लगा पक्के हुए आम की तरह मैं तुम्हारी झोली में पड़ जाऊंगी? देख रानी, सीधे तरह मान जा, वरना अपन को भी जबरदस्ती करने आता है क्या? ए, छोड़ दे मेरा हाथ। जानो, अभी तो हाथ पकड़ा है, फिर गले मिलूंगा, फिर वो करूंगा जो जो मेरे दिल में आए। छोड़ दे, लगता है तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। हाय, जल्दी कर देना इलाज, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बे उल्लू के पट्टे, तुमने शंकर दादा का नाम सुना है? शंकर दादा? क्यों, नाम सुनते उतर गया ना इश्क का भूत सर से? अगर तुमने मेरे साथ जरा सी भी बदतमीजी की तो शंकर दादा तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देगा, क्योंकि मैं उसकी बीवी। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम हो शंकर दादा की बीवी? अरे भाई, शंकर दादा घर चलोगे या भाभी के साथ दादागिरी करते रहोगे? क्या शंकर? हाँ मैम साहब, मैं वही शंकर दादा हूँ जिसकी बीवी होने का नाटक तुम कितने दिनों से कर रही हो। गिर गई पापाजी, बिलोंग के पाउडर लूं? अब आप ही बताइए, अगर मैंने आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर के अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की तो कौन सा बड़ा पाप किया? अपुन भी एकदम टट्टू है मैडम, अपुन ने तुम्हारे पहचानने में बहुत मिस्टेक किया क्या? दोबारा अगर तुम्हारी इज्जत लूटने का मौका आए ना तो बिंदास अपने नाम का सिंदूर अपने माथे पे लगा दो। क्या भैया, तुम भी एकदम टट्टू हो? क्यों भाई, कोई भंकस वाली बात बोली क्या? और नहीं तो क्या, भला तुम्हारे होते हुए अनु की इज्जत को खतरा हो सकता है? अनु, क्या तुम हमेशा के लिए भैया के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भर सकती? ए शकुंतला, शादी ब्याह का मामला है ना, मैडम को थोड़ा सोचने का टाइम दे। तू चल किचन में जा, दो कप पानी कम चाय मलाई मार के लेकर चल। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे होटल में बार वाले को बोलते हैं, पानी कम दो चाय। शंकर, एक बात पूछूं? बोलो। मैंने सुना है कि तुम मात्रे के लिए काम करते हो, लेकिन फिर भी आज तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना क्यों नहीं? अच्छा, वो बुड्ढा डर के मात्रे था? हाँ। अपन उसको नहीं पहचानता क्या? उसका मैनेजर है ना खान, वो अपना अच्छा दोस्त, उसी ने अपने को भेजा था राजकुमार के पास पैसे वसूल कर। इसका मतलब है कि तुम्हारा पेशा गुंडागर्दी है? बिल्कुल नहीं, गुंडागर्दी करने वालों का अपन सख्त दुश्मन है। राजकुमार से पैसे वसूल करने के लिए मात्रे से अपन ने एक पैसा भी नहीं लिया। अरे ये काम अपन ने इसलिए अपने हाथ में लिया क्योंकि साला राजकुमार बड़ा गलत आदमी है, और अन्नो ये बुड्ढा ठरकी भी है ना, अपन को गलत आदमी लगता है। तुम उसकी नौकरी छोड़ दो। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। क्यों? घर में मेरी दो जवान बहनें हैं, माँ बाप दहेज नहीं दे सकते, मुझे उनकी शादी का इंतजाम करना है। अरे अपन करवाएंगे उनकी शादी, आजकल अपन का टैक्सी का धंधा टॉप पे चल रहा है क्या? तुम आज ही जाओ और इस्तीफा दे दो उस ठरके बुड्ढे के पास। लेकिन शंकर, और दूसरी बात, अगर तुम्हारे को अपन के साथ शादी करने से इनकार है ना तो भी बोलो, क्योंकि शकुंतला के सामने अगर तुमने बोल दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। कोई भी लड़की तुम्हें इनकार कर सकती है? और ये सब एक्सपोर्ट के लिए हैं? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ये लीजिए। क्या है ये? मेरा रेजिग्नेशन। लेकिन क्यों? आज से मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकती सर। तुम्हें मालूम है मेरी क्या तमन्ना है? किसी खूबसूरत लड़के से तुम्हारी शादी कर देना। जी हाँ बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी पर कन्यादान का फर्ज मैं पूरा करूं। पटेल के बच्चे, तूने मुझे कहा था इस केसंस पे शहर की सारी अमीर कुंवारी और खूबसूरत लड़कियां शॉपिंग करने आती हैं। आज तीन दिन हो गए खड़े खड़े, अभी तक एक लड़की नहीं आई जिसे मैं फंसा सकूं। सेठ, वैसे छोकरियां तो बहुत सी आती हैं, लेकिन आपको जो पसंद आती है ना वो दो तीन बच्चों की अम्मा निकलती है। कुंवारी छोकरियों की आपको थोपड़े पसंद नहीं आते,
मारी बात सामरो, थोबे की तरफ मत देखो, लड़की की दौलत की तरफ देखो, दौलत की तरफ। घर में खाने के बांधे थोबड़ा पसंद नहीं आता। अरे आज पटाख ये लड़की अभी अभी जो अंदर गई है वो कौन है? मालूम नहीं। अरे अभी तो मालूम, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, खान बहादुर अब्दुल रहीम खान, उनकी गोद ली हुई बेटी मीनू। चढ़ जाओ सेठ सूली पे, रामबाली करेगा। मैं मिलता हूं। एक्सक्यूज मी। यस। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? Sure. कहिए। देखिए मैं आज ही सुबह लंदन से आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। आज शाम को उससे कुछ प्रेजेंट देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तानी लड़कियों के टेस्ट और फैशन के बारे में तो कुछ पता नहीं। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? आप क्या प्रेजेंट देना चाहते हैं? मान लीजिए अगर आज आपका बर्थडे होता तो आप अपने बॉयफ्रेंड से क्या प्रेजेंट एक्सपेक्ट करती? जी मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपका बॉयफ्रेंड होता तो आप उससे क्या प्रेजेंट लेना पसंद करती? अच्छा आप पहले ये बताइए आपकी गर्लफ्रेंड की उम्र क्या है? उसकी उम्र बस बिल्कुल आपकी हम उम्र होगी, बल्कि अगर यूं कहूं कि नाक नक्शा रंग ढंग चाल ढाल सब कुछ आपसे मिलता जुलता है तो बिल्कुल ठीक होगा। फिर भी उनके टेस्ट का कुछ तो पता लगना चाहिए। इसका फैसला भी मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ठीक है चलिए कुछ देखते हैं। आइए। मुझे तो ये बहुत पसंद है। वाह वाह, जो आपकी पसंद वो हमारी पसंद। थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिए मैंने आपका बहुत समय जाया किया। कोई बात नहीं। थैंक यू। ये पैक कर दो प्लीज। यस सर। ये रहा आपका पैकेट, 850 रुपए। देखिए जी मेरे पास अभी कैश तो नहीं है, क्या आप मेरा चेक एक्सेप्ट करेंगे? जी नहीं, हम कैश में डील करते हैं। ठीक है तो ये पार्सल अपने पास रखिए और मैं कल सुबह कैश देकर पार्सल ले जाऊंगा आपसे। ठीक है। ओके बाय द वे। हाँ जी। खान बहादुर अब्दुल रहीम की लड़की से आपका क्या रिश्ता है? मीनू से। जी। बिटवीन यू एंड मी, मेरी शादी होने वाली है उसके साथ। रियली? कांग्रेचुलेशंस। तब तो आप ये पार्सल केसन्स की तरफ से तोहफा समझ कर ले जाइए। खान बहादुर हमारे खास ग्राहकों में से हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। मीनू बेटी जी, किसी ने तुम्हारे लिए ये पार्सल और ये चिट्ठी दी है, देखो तो। मेरे लिए? हाँ। मुझे तो इस शहर में कोई नहीं जानता बाबूजी। अरे चिट्ठी पढ़ो, पढ़ने से पता लग जाएगा। मैं ये पार्सल खोलता हूँ। मिस मीनू, जिस गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी का तोहफा मैंने आपकी पसंद से खरीदा था वो लड़की कोई और नहीं आप ही है। आपको पहली बार देखते ही मैं दीवाना हो गया था, लेकिन अपने दिल की बात आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई, तब मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया। ये तोहफा कबूल कर लीजिए क्योंकि ये आपकी पसंद का है। आपका लिबास का टेस्ट मुझे मालूम हो चुका है और कल दोपहर का लंच अगर आप नाज कैफेटेरिया में मेरे साथ खाने की तकलीफ करें तो मुझे आपके खाने का टेस्ट भी मालूम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर मिलने आएंगे। आपका राज। किसकी चिट्ठी है, क्या लिखा है? आप ही पढ़ लीजिए। देखा बाबूजी कितना बदतमीज लड़का है। कुछ भी कहो भाई, हमें तो इस नौजवान का स्टाइल बहुत पसंद आया। आप इस गुस्ताखी को स्टाइल कह रहे हैं? यकीनन। किसी लड़की से इजहार मोहब्बत का इतना खूबसूरत तरीका मैंने आज तक किसी नॉवेल में भी नहीं पढ़ा। अच्छा ये बताओ बेटी, लड़का देखने में कैसा है? ठीक है। तोहफे का सिलेक्शन ये बताता है कि लड़का किसी खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखता है। जी हाँ, आज ही सुबह लंदन से आया है। अच्छा तो मैं काम करो बेटी, कल उसके साथ लंच खाने चली जाओ। लेकिन बाबूजी। देखो एक बार मिल लेने में क्या हर्ज, अगर लड़का अच्छा निकला तो उसके साथ तुम्हारा रिश्ता भी किया जा। माफ करना आने में थोड़ी सी देर हो गई, तुम्हारे लिए बलून्स लेने गया था। मेरे लिए? हाँ। यूरोप में जब कोई लड़का किसी लड़की से इजहार मोहब्बत करता है ना तो उसे बलून्स प्रेजेंट करता है। मुझसे पहले कितनी लड़कियों को बलून दे चुके हैं। यकीन मानो जिंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की से सच्चा प्यार किया है।
सच? हाँ। मेरी जिंदगी में भी पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहोगी कि एक दूसरे को जाने बगैर कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए ना, लेकिन मैं तो एक खुली हुई किताब हूँ, मुझे समझने में तुम्हें जरा भी वक्त नहीं लगेगा मीनू। आई लव यू मीनू, आई लव यू। एक्सक्यूज मी सर, यूरोप से ड्यूक ऑफ लंदन का कॉल आया है, बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। सेक्रेटरी, ड्यूक से कह दो कि अभी हम बहुत बिजी हैं। राइट सर। और सुनो जी, अब तुम भी मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझे? ओके सर। आप हिंदुस्तान किस इरादे से आए हैं? सच बताऊं, मैं शादी करने के ख्याल से हिंदुस्तान आया था और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने की भगवान से प्रार्थना भी कर ली है। लंदन में आपका क्या कारोबार है? लंदन में मेरी एक रबर की फैक्ट्री है जिसे मैं भारत सरकार के फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट को डोनेट करना चाहता हूँ। अमेरिका में मेरे तेल के कुएं हैं जिसमें से तेल साल भर निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। अबे टट्टू, घर पे नल में से पानी नहीं आता है और कुएं में से तेल निकालता है, तेरा तो तेल मैं निकालूंगा आज। वो लोग आपको घूर घूर करके देख रहे हैं। कौन? अरे ये भी एक बड़ी मुसीबत है। कैसे? अरे क्या बताऊं, जब भी मैं हिंदुस्तान आता हूँ ना तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कर्जा लेने के लिए, और मैं इन्हें अवॉइड करना चाहता हूँ। मेरी बात मानो, यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि और तुम भी मेरे साथ निकल चलो, क्योंकि अगर इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो ये लोग तुम्हें मजबूर करेंगे कि राजकुमार साहब से पैसे दिलवाओ और मैं लूट जाऊंगा। आ जाओ तुम। अच्छा, चलो मेरे साथ आ जाओ। चलो भाइयों, और टट्टू भाग गया है। मिल गई मुझे, मिल गई आहा, मिल गई, अरे मिल गई एक लड़की गुलाबी गुलाबी, मुझे मिल गई। अब दुनिया से क्या डरना, या जीना है या मरना, मुझे किस्मत के ताले की चाबी मिल गई। मिल गई एक लड़की गुलाबी गुलाबी, मुझे मिल गई। तुझको मैं देखूं सूरज निकलने न दूंगा, जब तक ये जुल्फे न संवरे शाम न ढलने दूंगा, पीकर तेरी आंखों से मैं, पीकर तेरी आंखों से मैं राजवा कर दूंगा। अरे मिल गई, मिल गई मुझे, मिल गई, अरे मिल गई, देखो मिल गई
एक लड़की गुलाबी गुलाबी मुझे मिल गई। मत, इसकी नौबत नहीं आएगी, इससे पहले इसे उठा के हम दरिया में फेंक देंगे। बहुत सरस आइडिया है, नेक काम में देनी, उठाओ। लेकिन एक मिनट, इसे पहले इसे उठा के बात तो कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। हाँ, इससे और बात। हाँ, हाँ, कोशिश करते हैं। करें 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 कर, कर, कर। शंकर, अबे वो शंकर, शंकर, ओ शंकर, शंकर, मेरे को। अरे शंकर भैया, मेरी एक बात तो सुन, वो जो लड़की है ना जिसके साथ मैं घूम रहा था ना, वो एक करोड़पति की लड़की है। एक बार मेरी शादी हो जाए ना उसके साथ, फिर लौटा दूंगा ब्याज के साथ। आई शपथ। अबे टट्टू, खोल दे मेरी रस्सी, वरना तेरी बोटी लंगोटी दोनों बेच के गरीबों में भेज दूंगा। अबे खोल मेरे को, बात पटेल के बच्चे ये बात नहीं मान रहा है। चलो इसे फेंक देते हैं दरिया में, उठा। चलो हटते, चलो मार डालेगा। छोड़ो यार, छोटे से झगड़े को तुम लोग दुश्मनी में बदल रहे हो, क्या रखा है इसमें? तो आदमी से किया जाता है कुत्ते। शंकर मालूम है ये राज है, राज इसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। हाँ क्या, और रेनू मुझे इसी की वजह से मिली है। अरे इसका एहसान तेरे पे, तेरा एहसान मेरे पे। बिल्कुल। अरे तेरे वजह से अपना टैक्सी का धंधा टॉप में चले क्या? नहीं आज से शंकर दोनों का यार है। ये ले यार, चारों का यार। हाँ चारों का यार है। मेरे होते हुए तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुम्हें मनीलाल कपाड़िया की बेटी से शादी करनी होगी, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। और मैंने भी अपनी स्वर्गवासी माँ को वचन दिया है डैडी, कि मैं शादी करूंगा तो किसी गरीब लड़की से, और एक पैसा दहेज नहीं लूंगा। लेकिन मुझे दहेज चाहिए, और वो भी पूरा 25 लाख रुपया। तो बेटे तेरे बाप को 25 लाख रुपए चाहिए दहेज के लिए? फिकर मत कर जान, मैं इंतजाम कर दूंगा। चल चल रहे चलो। कल दिल्ली में दिन दहाड़े बैंक लूट लिया गया,
झुबरी तलैया में बस को रोक के पैसेंजरों को गोली मार दी और उनका रुपया बस आजकल बड़ी डाके हो रहे हैं। थोड़ी क्या बात हिलना नहीं शंकर भाई राज सिंह क्या चाहिए क्या चाहिए हमें तिजोरी की चाबी चाहिए क्यों क्यों हमें 25 लाख रुपए चाहिए नहीं भाई मेरे पास 25 लाख नहीं है भाई नहीं है अरे अनिल अनिल बेटा चाबी देते हो या डैडी चाबी ताला बंदूक ये लो चाबियां और पैसे पैसे इस अलमारी में नहीं कुछ कुछ अरे अरे मेरी खून पसीने की कमाई अरे 25 लाख रुपया कहाँ ले जा रहे हो अरे मैं तो मर गया अरे मैं तो लुट गया बर्बाद हो गया अरे डैडी डैडी क्या कर अरे डाकू जी कुछ तो छोड़ जाइए मैं तो लुट गया अरे पुलिस को फोन क्या करूं दो नंबर का पैसा है दो नंबर का अगर इनकम टैक्स को पता चल गया तो उल्टे धर दिए जाएंगे देखो रेनू इस बैग में पूरे 25 लाख रुपए हैं और तुम्हें मालूम है ना डैडी से कैसे बात करनी है हाँ मुझे मालूम है मुझे राजकुमारी अमिता बनकर तुम्हारे डैडी से मिलना है ना हाँ राइट गुड लक थैंक यू अनिल ने मुझसे कहा है कि नीचे पालीपुर की राजकुमारी अमृता आपका इंतजार कर रही है लेकिन तुम्हें देख के ये तो नहीं लगता कि तुम कहीं की राजकुमारी हो आपने ठीक समझा मैं राजकुमारी नहीं हूँ मेरा नाम रेनू है और ये लीजिए आपके 25 लाख रुपए अगर तुम राजकुमारी नहीं हो तो ये 25 लाख रुपया तुम्हारे पास आए कहाँ से ये आपके बेटे अनिल ने मुझे दिया है अनिल ने जी हाँ ताकि आप मुझे अपनी बहू स्वीकार कर सकें तो इसका मतलब ये हुआ कि अनिल ने ये रुपए चुराए और वो डाकू वो अनिल के दोस्त राज और शंकर थे तो तुमने इस मौके का फायदा क्यों उठाया क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं ऐसे घराने की बहू बनूंगी जो मुझसे दहेज न मांगे अनिल जी डैडी कहिए डैडी आपकी होने वाली बहू आपको कैसे लगी बदमाश एक तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाप के रुपए चुराए और दूसरा यहां बाप के सामने नकली राजकुमारी लाके खड़ी कर दी तो मैं बाप को धोखा देते शर्म नहीं आई अनिल मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है शट अप अगर ये मुझे ना बताती तो याद रखो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करता आज इस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी हैं और साबित कर दिया है कि ऐसी देख चलन ईमानदार लड़की किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती इसलिए इसलिए आज मैं इसे अपनी बहुत स्वीकार करता हूं बेटे और तुम्हारी पसंद की भी दा देता हूं बेटे तुम्हारे मां बाप कहां है वो नागपुर में है तुम उन्हें आज ही चिट्ठी लिखो और यहां बना दो ठीक है जी और सुनो जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद बिल्कुल बंद रेनू मीनू भाई कहाँ हो तुम लोग जाके उसको अनु को सजाओ लाल चूड़ा पहनाओ झूमर पहनाओ बिंदिया लगाओ दुल्हन बनाओ भाई बारात आने में थोड़ी देर बाकी रह गई है निर्मला हा? निर्मला हा? देखो डॉक्टर साहब आए हैं डॉक्टर साहब शादी वाले घर में डॉक्टर साहब का क्या काम है हा? और आपने अभी तक कपड़े भी बदले क्या इन्हीं कपड़ों में कन्यादान करोगे नहीं हा? हा? आई एम सॉरी राधेश्याम आपकी बीवी का केस तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है डॉक्टर साहब इनका इलाज जल्दी होना चाहिए वरना नर्वस ब्रेकडाउन या फिर पूरी तरह से पागल हो जाने का डर है आप एक काम करिए इन्हें लेकर कल ही बंबई चले जाइए
और वहां किसी दिमागी अस्पताल में इनका अच्छी तरह से इलाज कराइए। चलता हूं। प्यारी माँ और बाबूजी प्रणाम। बॉम्बे से पहली चिट्ठी आप लोग को उस वक्त लिख रही हूँ जब आशा की एक किरण मेरे जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए फूट चुकी है। आप लोग किसी भी किस्म की चिंता न करें, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। आपकी बेटी रेनू। आप ये चिट्ठी पाते ही अनु दीदी और रेनू के साथ बंबई आ जाइए। आपकी बेटी मीनू। मीनू और रेनू को प्यार। आपकी बेटी अनु। रामू, ये राधेश्याम जी कहाँ जा रहे हैं? वो बहन जी का इलाज करवाने के लिए बंबई चले गए। लो, रोज पूछते थे कोई चिट्ठी आई कि नहीं आई, आज तीन तीन चिट्ठियां लेकर आया हूँ और चल दिए। हेलो, तुम्हारा टट्टू। अच्छा बोलो टट्टू मिया, क्या बात है? जानो, बात यह है कि मेरे जो दो यार है ना, अनिल और राज, वो अपनी होने वाली भाभी को मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम 12 बजे सनशाइन क्लब में पहुंचाना। लेकिन जानू, जानते नहीं हो क्या, मात्रे अंकल ने शादी से पहले हम दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है। देखो, तुम वो छुक-छुक अंकल को चकमा दे के आ जाओ, वरना तुम्हारी मेरी शादी कैंसिल। अच्छा बाबा, तुमसे कौन बहस करेगा, आऊंगी। सी यू। अनु, मैंने आज अपने दो अजीज दोस्तों को लंच पे बुलाया। लंच पे बुलाया? हाँ, अच्छा सा लंच हो जाए। लेकिन अंकल, आप अभी अभी फोन आया था, आप जानते नहीं क्या, वो अपनी वो ऑफिस में वो नीना काम करती है ना, नीना, उसकी नानी गुजर गई अंकल, उसके यहाँ अफसोस करने जाना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है, है ना? ठीक है, मैं उनको फिर कभी बुला लूंगा, तुम जाओ। तो मैं जाऊँ? थैंक यू अंकल। भाई कमाल है, जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है उसे मिलने में क्या खतरा है? खतरा तो कुछ भी नहीं, मगर बाबूजी का कहना है कि उनके खानदान का पुराना दस्तूर है। और अगर तुम नहीं आओगी तो मेरे दोनों दोस्त नाराज हो जाएंगे, और अगर नाराज हो गए तो फिर शादी कैंसिल। अच्छा, मैं आती हूँ। मीनू बेटी, कहीं जा रही हो? जी हाँ। मेरे एक दोस्त है मिस्टर मात्रे, उन्होंने हम दोनों को लंच पे बुलाया है। बाबूजी, आज वो पूर्णमासी है, मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है। ओ, ठीक है, तुम मंदिर जाओ, उनके यहाँ फिर कभी लंच पे जाएंगे। जाओ। जी। अगर मेरे दोस्त नाराज हो गए तो तुम्हारी मेरी शादी कैसे हो सकेगी? ओफो, अच्छा बाबा आती हूँ। ए सुनो, आई लव यू। मफतलाल दया। हेलो मफतलाल भाई, आज का लंच कैंसिल। क्यों? वो क्या हुआ, अन्नू को कोई जरूरी काम हो गया है, वो घर में नहीं होगी। और हाँ, खान साहब तुम्हारे पास ही रहते हैं, मुझे उनका टेलीफोन नहीं मिल रहा, तुम उनको भी बता देना और उनसे कहना कि वो अपने लड़के को यहाँ ना लेके आए। अच्छा अच्छा, हाँ मैं खान को बोल दूंगा। और हाँ यार, क्यों ना हो कि हम तीनों आज सनशाइन क्लब। क्यों, मजा आया? कसम खुदा की यार, पानी बहुत ठंडा है। वाह टार्जन। अरे लो भाई, अपने वाले तो आ गए। अनु, ये राज, ये अनिल। नमस्ते। और ये है तुम्हारे होने वाली भाभी। बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे अपने होने वाले भाभी के लिए। अच्छा अनु, तुम्हें इतनी देरी कैसे हुई? अपने वो छुक-छुक अंकल कैसे? अच्छे, पता ही छोड़ी नहीं रहे थे। अच्छा? मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है ना, नीना। हाँ? उसकी नानी मर गई, इसलिए अफसोस मनाने जा रही हूँ, ऐसा बहाना बना के आई हूँ तुम्हारे साथ। और मर गए, शैतान का नाम लिया, हाजिर हो गया। बाप रे, अब क्या करें? तुम एक काम करो, उस कैबिन में जाके छुप जाओ। हाँ। भाई कैसी लगी तुम्हारी भाभी? अरे भाई वाह, मैंने तुम्हारी वाली को तो 100 नंबर दिए हैं, अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आने वाली है, समझे? हाय राज। लो आ गई। हाय मीनू, मेरे दोस्तों से मिलो। नमस्ते। ये है अनिल और ये है शंकर। नमस्ते जी। और ये है तुम्हारी होने वाली भाभी। आपको तो शायद उस दिन हमारा पीछा करते हुए देखा था। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं था, मेरा भाई था भयंकर, मेरा जुआ भाई है, मैं हूँ शंकर। लेकिन मीनू, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बाबू जी से झूठ बोलकर आई हूँ कि मंदिर जा रही हूँ। अरे मर गए, उन्होंने अगर मुझे देख लिया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। तुम एक काम करो, तुम इस बीच वाले केबिन में घुस जाओ। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ। आज क्या आइडेंटिटी हो रही है भाई? बैठो। कैसे हो? बस ठीक हूँ।
यार सुना था कि कबाब में सिर्फ एक हड्डी होती है, ये दो दो हड्डियां कहां से आ गई भाई? हाय अनिल। हाय, इनसे मिलो, ये है मेरा यार शंकर। नमस्ते। और ये राज। नमस्ते जी। और ये है तुम्हारी होने वाली भाभी रेनू। बैठो रेनू। नहीं अनिल, देखो तुमने मुझे बुलाया तो मैं चली आई, लेकिन मैं अब यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे डैडी से वादा किया है कि जब तक हम दोनों की शादी न हो जाए हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, राइट? अरे बाप रे, डैडी आ गए, अब क्या होगा? अरे कुछ तो करो। तुम वहां जाओ, वहां कैबिन नंबर 3, 3 नंबर। हाय अनिल। हेलो डैड। लो भाई, कबाब में तीसरी हड्डी भी आ गई। नाश्ते में कोई हड्डी वड्डी खा कर आए हो क्या? कुछ ऐसा ही लगता है यार। हाँ यार, हड्डी पुलाव खाया था। वेटर। यस सर। एक काम करो, ये 10 रुपए रखो और सामने के टेबल में जो मात्रे साहब बैठे ना उनको बोलो उनका फोन आया। चलो। ओके सर, थैंक यू। कितने दिए पहले तो दिन में? सर, आप में से मिस्टर मात्रे कौन है? मैं हूँ सर, आपका फोन। फोन? जाओ देखो। यहाँ भी फोन? वाह वाह, सिगरेट पिला यार। मात्रे सब गए? गए। शादी से पहले मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। हेलो अनु, अनु बेटी। अरे आप क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की जरूरत है। आपको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? सही है, लेकिन आपको आप आराम करिए। आपको आराम की जरूरत क्या हुआ निर्मला? आपको आराम, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। ये 10 रुपए लो और वहाँ पर जो टेबल पे खान बहादुर है ना उनको कहो कि उनका फोन आया है। थैंक यू सर। यार कमाल है। क्या हुआ? किसका फोन था? यार मेरा तो फोन ही नहीं था। अच्छा, माफी चाहता हूँ सर, आप में से मिस्टर खान बहादुर कौन है? मैं हूँ सर, फोन आपके लिए था। अच्छा, आता हूँ अभी। लो बीपी। वाह, क्या क्लब में वेटर भर्ती किए हैं। बाबूजी चले गए? आ गए। ओके, बाय बाय। बाय बाय, सी यू। मैं टैक्सी लेकर, मेरी बात। ये लो 10 रुपए। सामने की मेज पे मिस्टर मफतलाल बैठे, उनसे कहना। ओके सर। भाई मेरा फोन था ही नहीं। हाँ, ये कैसे हुआ? बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, फोन मिस्टर मफतलाल के लिए था। जरूर, मफतलाल मैं हूँ। जी आइए। जाइए, देखिए कौन है। एक और बियर मंगा जल्दी यार। हाँ मंगा दो। यार कमाल है, कभी तुम्हारा फोन आता है कभी मेरा आता है, दोनों का नहीं था, अब उसका आ गया। शादी से पहले मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी अनिल, कभी नहीं। आपकी बीवी बिल्कुल सही कह रही है, इन्हें कोई बीमारी नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी बेटियों की जुदाई का गम है। जिस दिन वो मिल गई ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप इन्हें ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। और निर्मला, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आओ। कितने दिन हो गए बेटियों की तलाश करते करते, अगर वो इस शहर में होती तो हमें वो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती। इससे बेहतर है कि हम दर दर की ठोकरें खाएं यहाँ, हम घर वापस क्यों ना चले जाएं? ऐसा मत कहिए, अगर मैंने उनको अपनी आंखों से यहाँ ना देखा होता तो आपकी बात जरूर मान लेती। भगवान के लिए तलाश मत छोड़िए, वो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तुम दिल छोटा मत करो, हम वैसा ही करेंगे जो तुम चाहोगी।
नमस्ते जी, आप लोगों ने मुझे पहचाना? तुम तो वही हो ना जो अपने बाप के साथ। कमीना था मेरा बाप, अच्छा किया आप लोगों ने उसे जेल पहुंचा दिया। जानते हो उस वाकया के बाद हमारी तीनों बेटियां घर छोड़कर चली गई और हम उन्हीं की तलाश में बॉम्बे आए। पिताजी अब मुझे पता लगा कि आपकी बेटियों के आपको लेटर क्यों नहीं मिले। तो तुम जानते हो हमारी बेटियों को? मेरे ही मोहल्ले में रहती है, चलिए आपको मिलवा देता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो चलो चलो। और निकला सारे पैसे हमारे उसमें थे, प्लीज कुछ करो। चलो देख लेते हैं। पकड़ लो इन्हें, जाने मत देना, पकड़ लो। ले डंडा भी संभाल कट्टू। ये लीजिए, ये रहा आपका सूटकेस। भगवान आप लोगों का भला करे, आप लोगों ने हमारी मदद की। अजय इसमें मदद की कोई बात नहीं, चलिए हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। बेटा हम इस शहर में अजनबी हैं, हमारा यहाँ कोई घर नहीं, हम तो अपनी बेटियों की तलाश में बॉम्बे आए हुए हैं। बेटियाँ? हाँ। अगर आपके पास अपनी बेटियों की कोई तस्वीर है तो आप हमें दे दीजिए, हम अखबार में छपा देते हैं। मेरे पास है, लाइए। मेरे लॉकेट में है। मेरा लॉकेट? अरे ठीक से देखो। नहीं है, लगता है बदमाश आपका लॉकेट ले गए। अब क्या होगा? ये कैसे? आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग हैं ना आपके साथ। ये अगर अगर आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं मेरे घर पे। लेकिन बेटे हम तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं? अरे जब आपने बेटा कह ही लिया है तो फिर तकल्लुफ किस बात का। आइए चलिए, आइए चल बेड़ो। सोशल सर्विस। कौन है? ओहो चौबे जी, आइए आइए, अमर चौबे जी आए हैं। चौबे जी आप तो जेल में था ना? अरे मुन्ना आज तक किसी जेल की सलाखें इतनी मजबूत नहीं जो चौबे को अंदर रख सके। और पुजारी सब मजे में हो ना? क्या बताएं, अब आप आ गए हैं सब ठीक ही हो जाएगा। क्यों, क्या बात है? शंकर नाम का एक नया बदमाश पैदा हो गया है, उसने हमारा सारा धंधा खत्म करवा दिया है, यहाँ तक के गला यूं पकड़ के रखा है। हाँ चौबे जी, उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। फिकर मत करो, अब हम आ गए हैं तो सबका हिसाब चुकता कर देंगे। अरे यूं क्यों बैठे हो, एक ड्रिंक बनाओ मेरे लिए, ताश खेल रहे थे। अरे बाटो बाटो मेरे लिए भी बाटो। अरे महेश देखो पत्ते बाटू। बाटो बाटो, मगर इस बार तुम्हें कैश देना होगा। ये रहा पूरे 4,000 रुपए का माल।
4000 रुपए का माल है? असली है ना? असली है, असली असली है, असली है। अरे माल, माल में माल। अरे एक नहीं, तीन तीन। प्रभु प्रभु प्रभु, ये देखे, तीन तीन। ये तुम्हें कहां से मिला? उसी बुढ़ी के गले से जिस बुढ़ी के आप मुझको अपना बेटा बनाकर रिश्ते के लिए ले गए थे, जिनकी लड़कियों ने आपको जेल पहुंचाया था। ये बुढ़ा बुढ़ी अब कहां है? हम लोग सामान और लॉकेट छीनकर भाग रहे थे, एन मौके पर तीन लड़के आ गए और हम लोगों को सारा सामान छोड़ के जाना पड़ा। उनमें से एक लड़का उन दोनों को टैक्सी में बिठा कर ले गया, लेकिन मैंने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। वेरी गुड। मुझे ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी चाहिए, क्योंकि जब मैं जेल तोड़कर उनके यहाँ पहुंचा तो वहां उनके मकान पे ताला पड़ा था। यस चौबे जी, हम मुझे हर हालत ये बुढ़ा बुढ़ी चाहिए। यस चौबे जी, हम उनको आपके सामने पेश कर देंगे। राइट आउट। माँ, कैसा लग रहा हूँ आज मैं? क्यों बेटे, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना, उसकी बर्थडे पार्टी पे जा रहा हूँ। अच्छा? अरे आप नहीं जानती माँ, इस लड़की को फंसाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले और क्या क्या झूठ नहीं कहा। बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो इसके साथ, फिर देखना, आप दोनों को इससे भी बड़े घर में रखूंगा। बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। क्या बात है, आप लोग मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? माँ बाप आशीर्वाद हमेशा उस औलाद को देते हैं जो नेक रास्ते पर चलती हो। अरे तो मैं कौन से गलत रास्ते पर चल रहा हूँ? देखो बेटे, वो लड़की तुम पर भरोसा करती है, तुमसे सच्चा प्यार करती है। क्या किसी को धोखा देना सही रास्ता है? जरा सोचो तो सही। कल अगर शादी के बाद उसे यह पता चल गया कि तुमने उसको धोखा दिया है, तो क्या वो सुखी रह सकेगी? इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते। आज तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब हम इस घर में एक पल नहीं रुक सकते। हम कहीं और ठिकाना ढूंढ लेंगे। चल। नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। जिंदगी में पहली बार तो इस अनाथ के अंधेरे घर में ममता की एक किरण फूटी है। आज आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं उस लड़की को और धोखा नहीं दूंगा, उसे अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। सच बेटा? हाँ माँ जी, और अगर मेरी सच्चाई जानकर उसने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, और मैं वादा करता हूं कि उसकी दौलत पर नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा और खुद मेहनत करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। तब तो उस लड़की के भाग खिल उठेंगे। तुम क्या तोहफा लेकर जा रहे हो? फूलों के गुलदस्ते से काम चला लूंगा माँ। तुम ऐसा करो, ये अंगूठियों से पहना देना। अब तो आप मुझे आशीर्वाद देंगी ना? आप भी। नहीं नहीं बेटी, पहले राज का मुंह मीठा कराओ। पहले मेरे दोस्त अनिल और शंकर का मुंह मीठा करवाओ। क्या बात है भाई? क्या बात है मीनू, इन्हें केक क्यों नहीं खिला रही हो? कहां कहां पे न जाने भटक रहे होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तुम मर गए होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे, तुम्हारा शेरो शायरी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। शुक्रिया। हाँ, सूखे शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। इस शेर को तरन्नुम में गाओ तो फिर महफिल में कोई समा बन जाए। अमा जी और राजे, अब तो जाने पड़ेगा भाई। अच्छा भाई, आप लोग कहते हैं तो गा लेता हूं। कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते, कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे
भटक रहे हो तेरे कहाँ कहाँ पे। कर हमें संभाल लिया तुम्हारे प्यार ने बढ़कर हमें संभाल लिया बढ़कर हमें संभाल लिया। हवा कुछ ऐसी चली थी बिखर गए होते हवा कुछ ऐसी चली थी बिखर गए होते तुम्हारा प्यार न मिलता तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ पे न जाने कहाँ कहाँ पे न जाने कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते कहाँ कहाँ पे। सितारे पहरा लगाते हमारे चारों तरफ सितारे पहरा लगाते हमारे चारों तरफ सितारे पहरा लगाते हमारे चारों तरफ हम एक दूजे की बाहों में सो रहे होते हम एक दूजे की बाहों में सो रहे होते तुम्हारा प्यार न मिलता तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ पे न जाने कहाँ कहाँ पे न जाने कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते कहाँ कहाँ पे। खुद को जो देख लेते कभी मेरी निगाह से खुद को जो देख लेते कभी खुद को जो देख लेते कभी तुम्हारे हाथ से आईने गिर गए होते तुम्हारे हाथ से आईने गिर गए होते तुम्हारा प्यार न मिलता
तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ पे न जाने कहाँ कहाँ पे न जाने कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते कहाँ कहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट मीना, क्या बात है? मीनू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। आज तक तुमसे मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। मैं कोई करोड़पति नहीं, एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, हकीकत है मीनू। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी दौलत हासिल करने का सपना देख रहा था, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ है कि मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगा हूँ। अब मैं तुम्हें और धोखा नहीं दे सकता। हो सके तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। कौन कहता है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो? हाँ राज, अपनी जिंदगी का आईना मुझे दिखाकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे काबिल हो। मुझे तुम्हारे प्यार पर नाज है राज। सच मीनू? तुम्हारी कसम। तो इसी खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहूंगा। अपना हाथ सामने लाओ। ये अंगूठी तुम्हें किसने दी है? मेरी माँ ने। क्यों? सच सच बताओ राज, क्या ये अंगूठी तुम्हें तुम्हारी माँ ने दी है? वो मेरी असली माँ तो नहीं है। जिसने तुम्हें ये अंगूठी दी है वो मेरी माँ है राज। मुझे फौरन उनके पास ले चलो। आओ मेरे साथ। माँ, बाबूजी, माँ, बाबूजी। राज कहाँ गए माँ और बाबूजी? दीजिए आपके मेहमान आ गए। तुम? हाँ। यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हारी खूबसूरत और बहादुर बेटियों का पता जानने के लिए। हमें खुद नहीं मालूम, वो तो काफी दिनों से घर छोड़कर बंबई आई हुई हैं। हम उन्हीं को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। मिले? नहीं। झूठ बोलता है बुड्ढे। छोड़ दो हमें, जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो। जेल तोड़कर वापस आने की खुशी में ये तोहफा चौबे। आओ चानी। आते ही किस पर हाथ साफ हो रहा है? अरे इन तीन बदमाश लड़कियों के शरीफ माँ बाप पर, जो उनके किए की सजा भुगत रहे हैं। इन तीन लड़कियों में से मैं एक को जानता हूँ, जिसका नाम अन्नु है, और वो एक ऐसे आदमी से शादी करने वाली है जिसका नाम है शंकर दादा, जिसने मेरा आधा कारोबार बर्बाद कर दिया है। जानी, हम उसे पूरा बर्बाद कर देंगे। सावन, कहिए चौबे साहब। इस लड़की को लेकर मेरे खंडाला वाले बंगले पे चले जाओ। ठीक है। हम इसकी एक नहीं हजार शादियां करवाएंगे। चौबे! नहीं, नहीं, तुम्हारी जान ले लो पर हमारी बेटियों को छोड़ दो। नहीं, सावन, नहीं, इन दोनों कमरे बंद करो, फटाफट चलो। शंकर, शकुंतला। अरे भाभी। भाभी, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे जब भाभी खुशबूदार हो तो खाना भी तो खुशबूदार होना चाहिए। भैया बोले थे कि तुम आ जा रही हो खाने पर। अच्छा। हाँ। लेकिन वो माशे कहाँ है? बस आते ही होंगे। वाह वाह, कितनी प्यारी साड़ी पहनी हुई है। कहाँ, मेरी कहाँ, मुझे तो तुम्हारी साड़ी बड़ी पसंद आई। हाँ पहनोगी? क्यों नहीं, तो हो जाए अदला बदली। चलो चलो। ओहो, देखो ना शकुंतला, दो बज गए, पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे, पता नहीं तुम्हारे भैया कब आएंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी भैया को लेकर आती हूँ। कौन है
आजा। कौन है ये लड़की? चौबे जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे अंधे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। कौन अंधा? तुम। देख, कौन है लड़की? कौन है लड़की? माफ करना चौबे जी, हम अन्नू के धोखे में गलती से शंकर दादा की बहन को पकड़ लाए। शंकर दादा की बहन? हाँ चौबे जी, दोनों लड़कियों ने एक ही तरह के कपड़े पहन रखे थे, इसीलिए हमसे गलती हो गई। अगर ये लड़की शंकर की बहन है तो तुम्हारी गलती बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस लड़की के जरिए मैं अपना प्लान पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, तुम लोग 3 नंबर के अड्डे पे जाओ, हमारे फोन का इंतजार करो। क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपनी होने वाली भाभी अन्नू को फोन करके फौरन यहाँ बुलाओ। क्यों? क्योंकि मुझे उससे कुछ पुराना हिसाब चुकाना है। चलो फोन करो। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी भाभी को कभी फोन नहीं करूंगी। फोन कर अनु को, मैं कहता हूँ फोन कर, फोन कर, नहीं करेगी। कोई है? बचाओ। करती है कि नहीं? चल। शोर कर, ये क्या कर रहा हूँ? खबरदार भागने की कोशिश की तो? अच्छा कि आप आ गए, मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है। 24 घंटे में मुझे एक बार पागलपन का दौरा पड़ता है और उस दौरे में मेरे हाथ से कोई ना कोई गलत काम हो जाता है। हजारों रुपए खर्च करने पर भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ और आज इस मासूम की हत्या मेरे हाथ से हो गई। अब इसका यही प्रायश्चित है कि मैं पुलिस को फोन करके अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। चलो चलो पुलिस स्टेशन, फोन करो। चलिए। पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, मैं चौबे बोल रहा हूं, सिल्वर एवेन्यू से। मेरे हाथ से एक लड़की का खून हो गया है। घबराइए नहीं, एक आदमी ने मुझे गन पॉइंट पर ले रखा है। जी हाँ, आप जल्दी आके मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जी भाई साहब, मैं बैठ सकता हूँ? बैठ जाओ। शुक्रिया। आइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे अब्दुल रहीम कहते हैं। इस पागल आदमी ने एक मासूम लड़की का खून कर दिया, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। हवलदार, इन्हें हथकड़ी लगा दो। थैंक यू वेरी मच खान साहब, इस रिवॉल्वर का लाइसेंस है आपके पास? हाँ। चौबे साहब, जरा इनका लाइसेंस चेक कर लीजिए। शाबाश सावंत, वेल डन बॉयज। नकली पुलिस? हाँ खान बहादुर, जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है उसका यही अंजाम होता है। सावंत, लड़की की लाश उस कमरे में है, चलो मेरे साथ। शुक्र है अल्लाह का, मैंने आज पिस्तौल में नकली गोलियां भरी थी, वरना मेरा आज काम तमाम हो जाता। कमान बॉयज, जल्दी करो, देखो उसे अंदर। कमान, हरी आप। लेकिन उस लड़की की लाश कहां गई? लाश भी नकली पुलिस लेके गई। नकली पुलिस, नकली गोलियां, मुझे तो आपकी पूरी कहानी नकली लगती है। जिसे आप नकली कहते हैं उसकी असलियत का पता लगाना आपका काम है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसे बयान कर दिया। ठीक है, खून का मामला है, मौके पे जाके तफ्तीश करनी पड़ेगी। इसमें रोने की क्या बात है बेटी, अगर तुम्हारे माँ और बाबूजी इसी शहर में हैं तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। हाँ। इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, अभी तक क्यों नहीं मिले? मीनू घबरा मत, जल्दी मिल जाएंगे। देखो, उन्हें ढूंढने का मैंने एक रास्ता निकाला है।
तुम्हारी और मेरी अखबार में एक फोटो छपा देते, उसे देखते ही वो फौरन यहाँ चले आएंगे। वेरी गुड आइडिया सर, वेरी गुड। रोम मीनू, दीदी, मीनू मेरी बहन। ओ दीदी, दीदी तुम यहाँ कैसे? अखबार में तेरा फोटो देखा और चली आई, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैंने उसी रात घर छोड़ दिया था जब माँ ने जहर खाने की बात की। अच्छा, मैं भी तो उसी रात घर से बाहर निकली थी। इसका मतलब ये है कि माँ और बाबूजी के पास सिर्फ रेनू ही है। रेनू? दीदी, मेरी गुड़िया। अनु दीदी, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? सुभान अल्लाह, तीनों बहनों का इकट्ठे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। दीदी, ये बाबूजी से भी बढ़कर है, इन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। और बाबूजी, अरे मीनू, बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये अनु है और ये रेनू। जीती रहो बेटी, जीती रहो। लेकिन आपको हमारे नामों का पता कैसे चला? बेटी, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मीनू ने मुझसे तुम दोनों का जिक्र न किया हो। आज का दिन बड़ा मुबारक है। इस खुशी के मौके पर मैं अपने बेटियों को कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ, आओ आओ, बैठो बेटी, एक मिनट। रेनू बेटी जी, ये तुम्हारे लिए लो। नहीं बाबूजी, मैं ये नहीं लूंगी। ले लो रेनू। ले लो बेटी, ले लो। थैंक यू बाबूजी। वेलकम। और अनु, ये तुम्हारे लिए। लो ना दीदी। ले ना। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू बाबूजी। जैसे ही तुम्हारे माँ बाप मिल जाएं, मैं अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। इत्तेफाक है दीदी कि हमें जो तीन लड़के मिले वो आपस में दोस्त हैं। और सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि उस दिन क्लब में हम तीनों बहनें मौजूद थी, लेकिन किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ माँ और बाबूजी हमें जल्दी मिल जाए। हाँ। लगता है माँ बाबूजी भी आ गए। खान बहादुर अब्दुल रहीम खान साहब का घर यही है ना? जी हाँ। और आप तीनों बहने? हाँ। खान बहादुर के कत्ल के जुर्म में मैं तीनों को गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या कह रहे हैं आप, खान साहब तो अंदर सो रहे हैं। ये झूठ है। अगर आपको यकीन न हो तो अंदर चलकर देख लीजिए। चलिए चलिए। खान साहब, किसने ने मार डाला? बंद करो ये ड्रामा। गड़ाप, गड़ाप। दीदी, ये चूड़ियां, ये हार, ये नेकलेस, ये सब जरूर तुम लोगों के अपने हैं? नहीं, कुछ देर पहले खान बहादुर साहब ने ये सब हमें बड़े प्यार से पहनाए थे। खान बहादुर ने पहनाए थे, ये तुम लोगों ने हासिल करने के लिए उनका खून किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हम पर शक मत कीजिए, खान बहादुर हमारे पिता समान है। और कुछ ही देर पहले हम इन्हें ठीक ठाक छोड़कर गई थी। इंस्पेक्टर, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। जो कुछ कहना हो, पुलिस स्टेशन चल कर गई। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास हमारी बेगुनाही का सबूत है। मतलब? ये चिट्ठी तुमने पढ़ी है? नहीं। ये चिट्ठी पढ़कर सबको सुनाओ। मैं खान बहादुर अब्दुल रहीम इस चिट्ठी में ये बात लिखते हुए बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मीनू नाम की जिस लड़की को अपनी बेटी बनाया है वो कुछ अच्छी लड़की नहीं है। पढ़ो, पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाओ। इसकी दो बहनें और हैं। मुझे यकीन है कि ये तीनों बहनें दौलत की लालची हैं और किसी भी वक्त मेरी तिजोरी में रखे हुए कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर सकती हैं। अगर कभी मेरा खून हो जाए और पुलिस को ये चिट्ठी मिल जाए तो इन तीनों बहनों को गिरफ्तार कर दिया जाए।
इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये जरूर किसी दुश्मन का काम होगा। सच जो कुछ कहना हो पुलिस स्टेशन पर कहना। चलो हवालदार, तुम लाश के पास ठहरो। चलो बाबूजी। जनाब चलो, हरी अब चलो। इंस्पेक्टर, मेरा नाम है एडवोकेट भटनागर। वो तीन लड़के जिन्हें खान बहादुर अब्दुल रहीम के मर्डर के लिए आपने अरेस्ट किया है, मैं उनका वकील हूँ। अगर इजाजत हो तो वकालत नामे पे उनका दस्तखत करवा लूँ। शौक से। मालती दरवाजा खोलो। थैंक यू। आज तुम तीनों बहनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कौन? चौबे? पहचान लिया? अब इन्हें पहचानो। ये तो माँ बाबूजी है। कहाँ है वो? वो इस वक्त मेरे कब्जे में है, लेकिन कान खोल कर सुन लो। अगर पुलिस को तुमने मेरी असलियत बताने की कोशिश की तो जिस जगह तुम्हारे माँ बाप इस वक्त हैं, वहीं उनकी शमशान भूमि बन जाएगी। तुम चाहो तो हमारी जान ले लो, हाँ, लेकिन हमारे माँ बाबूजी को कुछ नहीं करना। नहीं करोगे ना? कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम तीनों अपनी जबान बंद रखोगी और खान बहादुर के खून का इकरार करोगे। इसका मतलब है कि खान बहादुर का खून तुम्हीं ने किया था और चिट्ठी भी तुम्हीं ने बदल दी थी। हाँ, तुम्हारी और खान बहादुर की तस्वीर जब मैंने अखबार में देखी तो मुझे पता चला कि उसकी पिस्तौल में गोलियां भी नकली थी। दोबारा मारने जब मैं उसको उसके घर पहुंचा तो उस वक्त वो तुम तीनों बहनों को सेवर दे रहा था और मैं पर्दे के पीछे था। और उसके बाद जब तुम तीनों बहनें खाना खाने के लिए उस कमरे से बाहर गईं, उस वक्त मैं हे परवरदिगार, कमली वाले के सदके से मेरी एक बेटी छीन कर तूने मुझे तीन तीन बेटियां दे दी, तेरा लाख लाख शुक्र है। याद है जिस दिन तुम तीनों ने मुझे पुलिस को पकड़वाया था, मैंने कहा था कि मैं तुम तीनों बहनों को बर्बाद कर दूंगा और आज मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। मुझे यकीन है कि इस तस्वीर को देखने के बाद तुम तीनों बहनें अपने आशिकों और पुलिस को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी, वरना तुम्हारे माँ बाप के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तुम तीनों गिन भी ना सकोगे। मुझे कितना अरमान था कि तुझे एक दिन दुल्हन बना के टोली में विदा करूं, लेकिन मुझे क्या पता कि तेरी विदाई एक डोली में नहीं, एक अर्थी में होगी। बोल बहना, बोल मुझे क्यों छोड़ के गई बहना, मुझे क्यों छोड़ के गई बहना, मुझे क्यों छोड़ के गई। बहना नहीं, कसम है तेरे प्यार की बहना, कसम है तेरे प्यार की बहना, तेरा ये भाई इस कातिल को नहीं छोड़ेगा जिसने तेरी ये हालत बना के रख दी। तेरे प्यार की कसम है ना, तेरे प्यार की कसम। I am sorry शंकर,
खूनी के पकड़े जाने का कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन के कत्ल के चश्मदीद गवाह खान बहादुर अब्दुल रहीम खान साहब का थोड़ी देर पहले खून हो गया। क्या? क्या? हाँ, खान बहादुर अब्दुल रहीम का खून हो गया। माय गॉड, इंस्पेक्टर साहब, किसने किया उनका खून? तीन सगी बहनों के गैंग ने, जिनके नाम है अन्नू, मीनू, रेनू। हाँ शंकर, खान बहादुर का खून हम तीनों ने मिलकर किया है। लेकिन क्यों, क्यों किया तुमने उनका खून? दौलत की लालच ने हमें अंधा बना दिया था। इम्पॉसिबल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ मीनू, तुम दौलत की खातिर खान बहादुर का खून कभी नहीं कर सकती। और तुम भी दौलत के लिए किसी का खून नहीं कर सकती रेनू। अगर तुम्हें दौलत का लालच होता तो वो 25 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें दिए तुम ले जाके डैडी को वापस नहीं करती। बोलो अन्नू, सच्चाई क्या है? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ तो हम शुरू से बोलती आ रही हैं शंकर। हम तीनों में से हर एक ने यही कहा था ना कि हमारी बाकी दो बहनें नागपुर में हैं। लेकिन इस वक्त हम तीनों का एक साथ यहाँ होना हमारे जुर्म का सबसे बड़ा सबूत है। और हम तीनों का प्यार एक नाटक था। नहीं रेनू, तुम्हारा प्यार नाटक नहीं था, तुम इस वक्त नाटक कर रही हो। और जरूर किसी मजबूरी या दबाव की वजह से तुम तीनों सच्चाई पर पर्दा डाल रही हो। भगवान के लिए अन्नू, सच बोलो, जिस खूनी को तुम बचाना चाहती हो, अन्नू, अन्नू उसी खूनी ने मेरी बहन शकुंतला का खून कर दिया है। क्या? हाँ अन्नू, और मैंने उस कातिल से बदला लेने की कसम खाई है। अगर तुमने उसका नाम नहीं बताया अन्नू, अन्नू तो एक भाई, तो एक भाई अपनी बहन की आत्मा को शांति नहीं दे सकेगा। बोलो अन्नू, खान बहादुर का खून किसने किया? किसने किया? ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, आप इन तीनों को यहाँ से लेके जाइए, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। ए मिस्टर, ये पुलिस स्टेशन है, समझे? चलिए आप, चलिए आउट, गेट आउट। लेकिन वो खूनी का नाम क्यों नहीं बताती? यार उनकी कोई मजबूरी होगी। आखिर क्या मजबूरी हो सकती है? मैं जानता हूँ उनकी मजबूरी, उनके माँ बाप। माँ बाप? हाँ, उनका किसी ने अगवा कर लिया है। उनके सामान में से मुझे 3 चिट्ठियाँ मिली हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि तीनों बहनें इकट्ठा घर से बाहर नहीं निकली हैं, बल्कि अलग अलग एक दूसरे को बताए बगैर ही घर से बाहर आई हैं। और अन्नू हमेशा मेरी टैक्सी में अकेले ही बैठी है। अगर ये तीनों बहनें इकट्ठी आई होती तो पक्की बात है मुझे बम्बई में कहीं ना कहीं जरूर नजर आती। मुझे पूरा यकीन है उनका अगवा भी उसी कमीने ने किया है जिसने हमारी बहन शक। और जरूर ये नाटक भी उसी खूनी ने रचाया है। अभी तो उस खूनी की असलियत जानने के लिए हमें कोई नाटक करना ही पड़ेगा। चलो भाइयों। मीनू, मैंने तुमसे एक दिन वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जरूर ढूंढ निकालूंगा। आज मैंने वो वादा पूरा कर दिया है। क्या? कहाँ है मार बाबूजी? ये देखो। माँ, बाबूजी, आप हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? दीदी, क्या हो गया इन्हें? तुम लोगों के माँ बाप तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्योंकि तुम लोगों के हाथ एक मासूम इंसान के खून से रंगे हुए हैं। नहीं, ये झूठ है। खान बहादुर का खून हमने नहीं किया। माँ और बाबूजी की जान बचाने के लिए हम तीनों ने वो झूठ कहा था। देखा इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन आ गया कि ये तीनों बेगुनाह हैं। इन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप को बचाने के लिए खून का इकरार किया था। लेकिन ये तो हमारे माँ बाबूजी नहीं है। हाँ, वाकई ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तुम लोगों से सच्चाई जानने के लिए ये ड्रामा हमने किया है। अब बताओ असली कातिल कौन है? उसका नाम चौबे है। हेलो, मैं जॉनी बोल रहा हूँ। चौबे। हाँ बोल जानी। तुमने आज का अखबार पढ़ा है? हाँ जानी, मैंने आज का अखबार पढ़ लिया है। उन लड़कियों ने पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलिस को तुम्हारे अड्डे का पता चल चुका है। इसलिए लड़कियों के माँ बाप को साथ लेकर फौरन अड्डा छोड़ दो। उन तीनों लड़कियों की जमानत हो गई है, लेकिन मैं उन तीनों लड़कियों को छोड़ूंगा नहीं। मैंने अभी अभी उन तीन लड़कियों को शंकर दादा के घर जाते देखा है और शंकर दादा शहर से बाहर गया हुआ है। ठीक है, मैं अड्डा खाली कर देता हूँ। ओके। Thank you.
ये घड़ी देख रहे हो, ये टाइम बॉम्ब है। 10 मिनट के बाद ये फूटेगा और तुम दोनों के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। ये 10 मिनट की मोहलत मैं तुम दोनों को इसलिए दे रहा हूं कि उन 10 मिनटों में मैं तुम्हारी बेटियों की जान ले सकूं, समझे? गुड लक। मर गए। सरकार की अदालत ने तो तुम लोगों को जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन चौबे की अदालत का हुक्मनामा तो सुन लो। अरे घूंघट तो उठाओ। अरे हरामजादे, पहचान मुझे? अरे मैं उसी मासूम लड़की का भाई हूँ जिसका खून तुमने किया है। बताओ हमारे माँ और बाबू जी कहाँ हैं? बताओ। राज, खान बाबू का फोन भी इसी कमीने ने किया है। अब देख मैं तुझे कैसे तड़पा तड़पा के मारता हूँ कि तेरे मौत ने भी कभी सोचा नहीं होगा। इसको जिंदा मत छोड़ना, तुम इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। मातम के लिए तैयार हो जाओ। वो सामने कैबिन देख रहे हो ना, उसमें उनके माँ बाप बने हैं, जिसमें मैंने टाइम बॉम्ब लगा दिया। उसमें 2 मिनट के अंदर अंदर उनके चीथड़े उड़ जाएंगे। जाओ, बचा सकते तो जाओ, बचाओ, जाओ। छोड़ो, छोड़ो। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की। रुक जाओ, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। चलो चौबे, चलो। चारी, गुड शो। ले चलो इन्हें, चलो चलो। चलो। अरे लेकिन भैया कहाँ है? भैया शंकर, वो रहा है मोटरसाइकिल। अरे
चौबे, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लगाओ हथकड़ी। ओए शंकर, ओ मुंडे हो, की कर रहे हो? लड़कियों से गले मिलते रहोगे या इनसे भी मिलोगे? तुम्हारे सास ससुर जी, पटेल भाई, ओजा सिंह।